हेलो जी नमस्कार स्वागत है आप सभी का डाउट नेट पर बच्चों आखिरी अध्याय है ग्यारहवीं कक्षा का रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण बाईसवा चैप्टर है ये हमारी ग्यारहवीं कक्षा का आइए स्टार्ट करते हैं सो so, इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं क्या अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां क्या होती है अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां अंग्रेजी में बोलते हैं एंडो क्या होती है ये अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां ये आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का मीनिंग जरा देखिए अंतस्त्रावी ग्रंथियां हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे जो भी शरीर में अंतस्त्रावी ग्रंथियां मिल रही हैं उन सब की हम बात करने वाले हैं क्योंकि सारी अंतस्त्रावी ग्रंथियां इस चैप्टर में बता रखी हैं लेकिन वो पढ़ने से पहले चैप्टर जो है उसका नाम जरा देखिए क्या लिखा हुआ है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण मीनिंग क्या है आराम से तसली से सुनिएगा देखिए यहां इस चैप्टर से पहले आपने तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा था ठीक तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय याद करिए क्या था अगला चैप्टर पिछला चैप्टर क्या था तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय यानी वहां पर भी एक शब्द आ रहा था समन्वय समन्वय का मतलब क्या होता है कंट्रोल और एकीकरण का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन इसका मतलब होता है कंट्रोल और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन अब क्या मतलब है कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कंट्रोल का देखिए जैसे मैंने बोला कि मैं अपने हाथ को घुमा रहा हूं क्या ये मेरे कंट्रोल में है हाँ सर है बिल्कुल है ये इस तरीके से हाथ घुमाना क्या ये मेरे कंट्रोल में था हाँ सर था और यह कौन कंट्रोल कर रहा है सर हमारा मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र कंट्रोल कर रहा है मैंने कहा ठीक है अब जरा सोचिए आपके आपके शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं जिनको तंत्रिका तंत्र क्या करता है कंट्रोल करता है कंट्रोल है ना लेकिन करता कैसे है उन तंत्रिकाओं से निकलते क्या है सोचो हमने ये तो बोल दिया कि हमारे शरीर में गतिविधियां हो रही है जैसे हाथ घुमाना ऐच्छिक प्रक्रिया थी वॉलेंट्री है ना हमारे शरीर में अनैच्छिक भी क्रियाएं होती है है ना अनैच्छिक जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है जैसे पाचन हमारे नियंत्रण में है क्या नहीं बिल्कुल नहीं है सो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दो प्रकार की गतिविधियां एक है ऐच्छिक और एक है अनैच्छिक एक है वॉलेंट्री और एक है इनवॉलेंट्री हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं मैं सो रहा हूं उठ रहा हूं खा रहा हूं पी रहा हूं चल रहा हूं कुछ भी कार्य कर रहा हूं कौन कंट्रोल कर रहा है सर हमारा तंत्रिका तंत्र कैसे उन तंत्रिकाओं से जो संदेश आते हैं किस रूप में आते हैं सर रसायनों के रूप में आते हैं ये रसायन बनते कहां हैं ग्रंथियों में बनते हैं तो तंत्रिका तंत्र और वो ग्रंथियां जो क्या निकाल रही है रसायन ये दोनों तंत्र कौन सा तंत्रिका तंत्र और अंत स्त्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सर, तंत्रिका, के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन आ गया सर मस्तिष्क आ गया मेरू आ गया तंत्रिकाएं आ गई हैं ये सब कुछ किसके अंतर्गत आ गया सर तंत्रिका तंत्र डन ओके अंत्यस्त्रावी तंत्र के अंतर्गत कौन आएगा अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां तो दो तंत्र हैं एक है नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम तंत्रिका तंत्र अंत तंत्र तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिकाएं करेंगी रसायन वो रसायन कहां पर बन रहे हैं सर हमारी अंत्य ग्रंथियों में तो दो तंत्र मिलकर दो तंत्र मिलकर अगर काम करेंगे जब कोई चीज मिलकर काम करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन तो जरा सोचिए पिछला चैप्टर और ये वाला चैप्टर दोनों क्या है मिलकर काम कर रहे हैं क्या तंत्रिका तंत्र भी और अंत्यस्त्रावी तंत्र भी आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी सो so, पिछले चैप्टर में आपने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लिया है है ना अब इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ेंगे ऑब्वियस सी बात है वो रसायन जो अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां प्रोड्यूस करेंगी उत्पन्न करेंगी ठीक है समझ में आ गया चले आगे अब बात करते हैं अंतस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या होती है ये स्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये होती क्या है सर आइए समझते हैं देखो देखो मैंने बोला ये एक ग्रंथी है पहली बात तो ग्रंथी का मतलब ग्रंथी का मतलब क्या होता है एक ऐसी संरचना एक ऐसा अंग जो कुछ ना कुछ स्त्रावित करेगा जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा है ना उसको हम क्या बोलते हैं ग्रंथी मैंने बोला एक ये ग्रंथी है और एक ये ग्रंथी है दो ग्रंथिया मैंने बोला इस ग्रंथि का जो उत्पाद जो है वो जाएगा अपने लक्ष्य तक ये मान लेते हैं लक्ष्य है जहां पर इसका उत्पाद जो भी ये प्रोड्यूस करेगी उसको कहां तक पहुंचना है अपने लक्ष्य तक पहुंचना है ठीक है पहुंचा किसके द्वारा सर इसी ग्रंथि की खुद की नलिका है ये जो ग्रंथि जो थी इसकी ये खुद की ये नलिका है ओके सर ये नलिका किसकी है खुद इस ग्रंथि की है? देख लो इस ग्रंथी की खुद की नलिका इसने जो उत्पाद बनाया उसने वो अपनी नलिका में डाला और उसकी नलिका लक्ष्य तक लेकर जा रही है ऐसी ग्रंथियों को हम बोलते हैं बाह्य स्त्रावी बहुत सिंपल शब्दों में एक्सो क्राइन ग्लैंड ओके सर इनका जो उत्पाद जो बनेगा जो यहां तक अपने लक्ष्य तक जा रहा है इनका जो उत्पाद जो होता है वो क्या होता है इनका उत्पाद ज्यादातर होता है क्या एंजाइम इनका उत्पाद क्या होता है एंजाइम होता है ओके सर नॉर्मल सी बात है दसवीं कक्षा में चीज आ गई थी ठीक है अब आप मुझे बताइए क्या मैं इन ग्रंथियों को नलिकाहीन ग्रंथियां बोलूंगा कि नलिका युक्त ग्रंथियां बोलूंगा साहब इनके पास खुद की नलिका है या नहीं है? है ना तो इनको क्या बोलूंगा ऐसी ग्रंथियां जिनके पास खुद की नलिका है तो क्या बोलूंगा नलिका युक्त ग्रंथी नलिका युक्त ग्रंथी बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा बिल्कुल बोलूंगा चल अब इधर ये सेकंड ये फर्स्ट कंडीशन है अब सेकंड कंडीशन देखते हैं मैंने बोला इस ग्रंथी है इसका उत्पाद बन गया रसायन जो भी केमिकल्स बने हैं वो इस ग्रंथी के उत्पाद है अपने लक्ष्य तक पहुंचना था कहां तक पहुंचना अपने लक्ष्य तक जहां पर वो रसायन जाकर काम करने वाले सब कैसे जाए इनके पास खुद की नलिका नहीं होती है तो ऐसी ग्रंथियां जो नलिकाहीन होती हैं जिनके पास नलिका खुद की नलिका नहीं होती है डक्टलेस बोलेंगे डक्टलेस ठीक है तो ऐसी नलिकाहीन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं अंतरावी ठीक है और ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड या अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इनका जो उत्पाद जो होता है वो क्या होता है हार्मोन होता है क्या होते हैं हार्मोन होते हैं तो इनके उत्पाद क्या होते हैं एंजाइम इनके उत्पाद क्या होते हैं हार्मोन एंजाइम क्या करते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं जयवणु चैप्टर में पढ़ चुके थे एंजाइम का कार्य क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन को किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देना सर हार्मोन क्या करते हैं ये अपने लक्ष्य तक जाते हैं जहां पर इनको जाना है और वहां पर अपना काम करते हैं क्या काम करते हैं या तो किसी दूसरे हार्मोन को निकाल देते हैं पहली चीज अभी बताऊंगा या किसी किसी संरचना को प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए या किसी कोशिका को प्रेरित करते हैं कुछ कार्य करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को तेज नहीं करते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन को तेज कर रहे थे ये किसी ना किसी संरचना को प्रेरित करते हैं कुछ काम करने के लिए ठीक है so, सो अब बात आ रही है सर ये तो अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां तो समझ में आ गया जिनके पास खुद की नलिका नहीं होती है नलिकाहीन ग्रंथियां होती है ये तो समझ में आ गया इनका उत्पाद हॉर्मोन होता है सर ये लक्ष्य तक कैसे जाएगा यहां से उत्पाद लक्ष्य तक कैसे जाएगा तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं भाई मेरे दोस्त ध्यान से सुनना ये आ रही है कौन रक्त नलिका कौन आ रही है ये रक्तनलिका जिसमें क्या है सर रक्त है तो ये ग्रंथियां क्या करती हैं अपना पदार्थ अपने रसायन इसके अंदर डाल देती हैं अब ये रसायन रक्त से होते हुए रक्त से होते हुए पहुंचेंगे और यहां से निकलकर अपने लक्ष्य तक आ जाएंगे ऐसी so, ग्रंथियां जिनके पास खुद की नलिका नहीं होती है जिनका उत्पाद हार्मोन होता है उन्हें हम अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां बोलते हैं और इनका उत्पाद किस में डाल दिया जाता है रक्त में डाल दिया जाता है और रक्त के द्वारा ये अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं डन क्लियर है ये थी सिंपल सी बात ये होती है क्या अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां आप पढ़ सकते हैं यहां पर लिखा हुआ नलिका विहीन ग्रंथियां क्या बोलते हैं अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां क्या होती है नलिका विहीन ग्रंथियां होती है इनका स्त्राव क्या होता है हार्मोन होता है इनका स्त्राव जो होता है वो क्या होता है हार्मोन होता है याद रखना जो जो कहां पर रक्त में मुक्त किए जाते हैं किस में मुक्त किए जाते हैं रक्त में और अपने लक्ष्य तक पहुंचाए जाते हैं कहां तक पहुंचाए जाते हैं ये अपने लक्ष्य तक पहुंचाए जाते हैं क्या हॉर्मोन थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते ज्यादा नहीं थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं कौन बेटा जी आपके हार्मोन थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं और ये अपने लक्ष्य तक जाकर अपना काम कर देते हैं ये होती है क्या अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां और ऐसी अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में मिल रही हैं क्या बनाती हैं अंत्यस्त्रावी तंत्र डन इतनी सी बात मीनिंग समझ में आ गया डंडन आ डन आगे बढ़ते हैं अब बात आ रही है सर हमारे अंदर मानव के अंदर कौन कौन सी अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां मिल रही हैं हमारे अंदर कौन कौन सी अंत्यस्त्री ग्रंथियां मिल रही है तो देखिए जरा यहां पर शब्द दिखेंगे आपको आपको दिखेगा पीयूष ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्रंथी बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर हॉर्मोन जो होते हैं यहां से निकलते हैं पीयूष ग्रंथि हाइपोथेलमस जिससे पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है पिनियल ग्रंथि था पैराथाइर अंडाश्य अग्नाशय अधिव्रक एड्रीनल ग्रंथि वृषण ये सारी क्या है इसके अलावा और भी होती है व्रक भी होता है ठीक है सो कहने वाली बात है ये सारी क्या है आपकी अंत्यस्त्री ग्रंथि जो यहां पर बता रखी है कौन कौन सी पीयूष अग्नाशय पैराथायर वृषण अंडाशय ये सारे क्या है बेटा जी आपके अंत्यस्त्रावी ग्रंथी इसके अलावा जठर आंत पथ जो आपने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा जहां पर क्या होते हैं हॉर्मोन्स निकलते हैं यकृत व्रक हृदय इनसे भी क्या निकलते हैं हॉर्मोन्स निकलते हैं तो मेजरली इस चैप्टर में ये वाली ग्रंथियां हमारे बता रखी हैं अब एक एक करके हमें ये पढ़नी है सबसे पहली ग्रंथि जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हाइपोथैलेमस सबसे पहली ग्रंथि जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है हाइपोथैलेमस अब हाइपोथैलेमस पढ़ने से पहले आपको याद होगा आपने तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर जब पढ़ा था है मस्तिष्क के बारे में जब आपने बात करी थी तो आइए थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको समझानी हाइपोथेलेमस से संबंधित देखिएगा ध्यान से सुनना देखिए याद करिए मस्तिष्क जो था हमारा ब्रेन जो होता है उसके तीन भाग होते हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन कौन से सर एक है अग्र मस्तिष्क एक है मध्य मस्तिष्क और एक है पश्चिम मस्तिष्क पढ़ चुके हैं आप जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूं अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क ठीक है अब जो अग्र मस्तिष्क जो होता है इसके भी भाग होते हैं ठीक है एक होता है शैरी ब्रह्म, जिसको हम प्र मस्तिष्क बोलते हैं क्या बोलते हैं प्र मस्तिष्क बोलते हैं ठीक है हमारे मस्तिष्क का 80 परसेंट पोर्शन जो होता है वो यही होता है यानी हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है यही होता है ये ये पूरा भाग ये पूरा भाग ये ये जो है ये पूरा भाग ये पूरा भाग क्या है शेरी ब्रह्म है ठीक है चलिए नेक्स्ट इसके बाद फैक्ट्री लोभ होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं हालांकि इतनी जरूरत नहीं है ऑल लोब होता है दूसरा भाग तीसरा भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं डायंसी फेलोन तीसरा भाग जो होता है उसका नाम होता है डायंसी ठीक है अभी डायंसी फेलोन के बारे में बताऊंगा लेकिन पहले इनके पार्ट्स बता दो मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं एक होता है क्रूरा से और एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्री एक होता है क्रूरा सेरिब्राई और एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्री ठीक है ये जो प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, ठीक है ठीके? रिफ्लेक्स सेक्शन जो होते हैं देखने से संबंधित सुनने से संबंधित ठीक है जो प्रतिक्रियाएं होती हैं ठीक है ठीके? उनके लिए जिम्मेदार होता है कौन सा हमारा मध्य मस्तिष्क उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क आप जानते हैं इसके भाग पॉन्स ओब्लंगेटा और सेरी बेलम ठीक है देखिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया आपको क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके कई नाम होते हैं राइनेंसी फेलोन रोमबेंसी फेलोन प्रोजेंसी फेलोन मिटेंसी फेलोन माइलेंसी फेलोन मैंने जरूरत ही नहीं है बताने की क्योंकि इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाता हाँ पहले पूछा जाता था नीट में कि रोमबेंसी फेलोन क्या होता है माइलेंसी फेलोन क्या होता है मिटेंसी फेलोन क्या होता है प्रोजेंसी फेलोन क्या होता है टिलेंसी फेलोन क्या होता है ठीक है अभी सिर्फ इतना सा ये भाग है किसके हमारे मस्तिष्क के अब इसमें से पर्टिकुलरली मैं बताने वाला हूं कौन सा डायंसी फेलोन डायंसी फेलोन को समझना है क्यों समझना है क्योंकि ये हाइपोथैलेमस जो अभी अभी हम देखने वाले अंत्यस्त्राविक ग्रंथी उसके बारे में एक चीज बतानी है देखिएगा डायंसिफेलॉन एक रूम की तरह है। जिस रूम में अभी आप खड़े हैं या बैठे हैं जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं ये रूम जो है इस तरीके से ये एक एक रूम है एक कमरा है इसको मैंने बोला डायंसिफेलोन जो अग्र मस्तिष्क का भाग है ओके अब इस रूम में जरा देखिए अपने चारों तरफ इस रूम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है सर छत दिखाई दे रही है हाँ, फर्श दिखाई दे रहा है हाँ, दीवारें दिखाई दे रही है मैंने कहा उसी तरीके से इस रूम में ये डाइन है इसके अंदर छत है हाँ, फर्श है हाँ, दीवारें हैं हाँ। तो जो छत जो होती है उसको बोला जाता है एपिथेलमस क्या बोला जाता है एपिथेलमस जो दीवारें होती हैं उनको बोला जाता है थेलेमस और फर्श जो होता है इसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस तो हम क्या पढ़ने वाले थे बांगड़ू सर हम हाइपोथैलेमस पढ़ने वाले हैं तो जरा जोर डालिए हाइपोथैलेमस किसका भाग है सर हाइपोथैलेमस डायनसीफेलोन का भाग है कौन सा भाग है सर फर्श है जिस रूम में तुम बैठे हो इमेजिन करो तुम डायंसिफेलोन में बैठे हो ऊपर क्या है एपिथैलेमस नीचे क्या हाइपोथैलेमस चारों तरफ क्या थैलेमस खत्म इतनी सी बात है अब तुमसे तो एक प्रश्न पूछूं जरा मुझे बताइए इस डाइनसिफेलोन का 80 परसेंट पोर्शन कौन बना रहा होगा सोचिए इस जिस रूम में आप बैठे हो छत का क्षेत्रफल फर्श का क्षेत्रफल और दीवारों का क्षेत्रफल किसका ज्यादा एरिया किसका ज्यादा है सोचिए सर दीवारों का तो एट्टी पोर्शन जो होता है अस्सी भाग जो होता है डायसिफेलोन का वो कौन बनाता है थैलेमस बनाता है याद रखना इनके कार्य क्या है अभी जरूरत नहीं आप पढ़ चुके हैं हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली हाइपोथैलेमस बेटा ये है हाइपोथैलेमस ये फर्श है किसका हमारे डायेंसिफेलोन का याद रखना डन कोई दिक्कत तो नहीं अब देखिए इस हाइपोथैलेमस से एक ग्रंथि जुड़ी हुई है और ये जो ग्रंथि जो है इसका नाम है मास्टर ग्रंथि जिसको अंब्युश ग्रंथि बोलते हैं ओके ये हाइपोथैलेमस क्या करता है ये दो प्रकार के हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस जो होता है ये एक अंत्यस्त्री ग्रंथि हाइपोथैलेमस ये दो प्रकार के हार्मोन बनाता है कौन हाइपोथैलेमस एक वो हार्मोन जो किसी ना किसी संरचना को निकालने के लिए किसी चीज को निकालने के लिए प्रेरित करते हैं नहीं आया समझ में देख मान लें मैं हाइपोथैलेमस हूं और मेरे से जुड़ी हुई है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि ठीक है मैंने कुछ हार्मोन बनाए एक ऐसे हार्मोन जो इस पीयूष ग्रंथि में जाएंगे और जाकर कुछ निकलवाएंगे मैं हाइपोथैलेमस मैंने कुछ हार्मोन बनाए वो हार्मोन जाएंगे और जाकर कुछ निकलवा देंगे ठीक है और एक ऐसे हार्मोन जो जाएंगे और निकालने से रोकेंगे तो दो तरीके के हार्मोन बना रहा हाइपोथैलेमस जो श्रावण में सहायता कर रहे हैं और निकलने से रोक रहे हैं श्रावण को रोक रहे हैं और श्रावण करवा रहे हैं तो दो तरीके के हार्मोन निकालते हैं कौन आपका हाइपोथैलेमस देखिए यहां पर लिखा हुआ देखिए मोचक हार्मोन कहीं वर्ड लिखा हुआ है कौन सा मोचक मोचक का मतलब ही क्या होता है जो निकलवाएगा जो मोचित करवाएगा निकलवाएगा देखिए क्या लिखा जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण को प्रेरित करेगा ये लो जी आया समझ में पीयूष ग्रंथि से निकलवाएगा हार्मोन सर कौन सा अभी बता रहा हूं वेट दूसरा और दूसरे जो है वो है निरोधी हार्मोन अब नाम में क्या है निरोधी यानी कहीं ना कहीं रोकेगा रोध करेगा पैद रोकेगा तो क्या करेंगे जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के श्रावण को रोकेंगे खत्म खलास सर इनके नाम बताइए उदाहरण बताइए है ना तो देखिए मोचक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है मोचक हार्मोन जिसका नाम आप डेफिनेटली जानते हैं जी एन आर एच जी एन आर एच याद आया अजी याद आयाद आया? याद आया? करे मानव जनन में पड़ा था जी एन आर एच कहां से निकलता है सर इसी हाइपोथैलेमस से निकलता है और पीयूष ग्रंथि का जो अग्र भाग होता है वहां से एल एच और एफ एस एच निकलवाता है याद कर पढ़ा है ना तो जीएनआरएच गोनेडोट्रोफिन मुक्तकारी हार्मोन जो होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये प्यूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन कौन से होते हैं एलएच और एफएसएच अब आप बोलेंगे सर ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का मतलब भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनको हम क्या बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन सर ये गोनेडो वर्ड कहां से है तो याद रखना जो लैंगिक अंग होते हैं ना वृषण और अंडाशय इनको हम गोनेड्स बोलते हैं क्या बोलते हैं अंग्रेजी में गोनेड्स तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का मतलब वो हार्मोन जो गोनेड्स से निकलेंगे आ, पर जाकर काम करेंगे। निकलेंगे कहां से? से. डन क्लियर है फिर से देख ये देख ये हाइपोथेलमस और ये पीयूष ग्रंथि इस पीयूष ग्रंथि के अंदर कई सारे हार्मोन होते हैं जिसमें सेल और एफएसएच होता है यहां पर से जीएनआरएच निकला जीएनआरएच आया जीएनआरएच ने इन दोनों का श्रावण करवा दिया तब आप जरा सोचिए जीएनआरएच किसका हार्मोन है सर हाइपोथैलेमस का हार्मोन है मोचक हार्मोन है मैंने कहा ठीक है जी बहुत ही बढ़िया अब इधर देखिएगा यहां पर एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है जीएच ग्रोथ हार्मोन।

ट्रॉफिन देखिएगा कहीं ना कहीं सॉरी सोमेटोस्टेटिन सोमेटोट्रोफिन नहीं सोमेटोस्टेटिन देखिए जीएच जो होता है जीएच जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं ये इसका दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोफिन याद रखना आपके शरीर में वृद्धि हो रही है ग्रोथ हो रही है वो करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है ग्रोथ हार्मोन होता है आपने देखा होगा बचपन में आ, कई बच्चे क्या करते हैं जब आ, हाइट कम हो जाती है तो अखबार में देखते हैं कैप्सूल आते हैं हाइट बढ़ाने के लिए देखा होगा आपने डेफिनेटली अखबार में आता है इतनी इंच हाइट बढ़ाओ ये करो वो करो मोटापा लेकर आओ पतले पतले जो दुबले पतले होते हैं वजन बढ़ाओ वो क्या करवा रहे हैं वो कैप्सूल के अंदर क्या है ग्रोथ हॉर्मोन है क्या करवाते हैं ग्रोथ कराते हैं लेना मत कभी भी लेना मत ये आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन होते हैं कहीं ना कहीं शरीर को खराब कर देते हैं कई बार मैंने, मैंने अपनी आँखों से देखा है, बच्चों ने हुए है जिनका एक हाथ लंबा हो गया एक कान लंबा हो गया, मतलब शरीर में हो जाती है। so, hormone, जितना निकलना है निकलने दीजिए ठीक है सो ग्रोथ हॉर्मोन ग्रोथ कराएगा यहां से निकलता है अब क्या होता है ना यहां से एक हार्मोन था से एक हार्मोन था जिसका नाम है सोमैटो स्टेटन यह सोमैटोस्टेटन ग्रोथ हार्मोन को निकलने से रोकेगा तो जरा सोचिए क्या सोमेटोस्टेटिन एक मोचक हार्मोन के निरोधी हार्मोन तो सीधी सी बात है सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो वृद्धि हार्मोन के श्रावण को रोकता है आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी अब इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है क्या याद रखनी है यहां पर एक वर्ड याद रखना है आपने कहीं ना कहीं न्यूक्लियाई अगर यहां पर कहीं दे रखा है न्यूक्लियाई 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 हां जी हां न्यूक्ली न्यूक्ली दे रखा है न्यूक्ली सर ये न्यूक्ली क्या है ये न्यूक्ली न्यूक्ली क्या है ये का भाग होता है, हाँ सर होता है। शरीर में कई सारे कार्यों को नियंत्रित करता है हाँ करता है हॉर्मोन उत्पन्न करता है हा करता है ये हॉर्मोन हाइपोथेमस में इधर देख ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं, यहां पर बन रहे हैं, जैसे सोमेटोस्टेटन यहां बना जीएनआरएच यहां बना ठीक है अब जब ये यहां बन रहे हैं तो किस संरचना में बन रहे हैं जिस संरचना में बनते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्ली तो न्यूक्ली बेटा वो संरचना है हाइपोथैलेमस की न्यूक्ली वो संरचना है किसकी हाइपोथैलेमस की जिसमें हार्मोन बन रहे हैं ये देख यही लिखा हुआ है क्या तंत्रिका का कोशिकाएं होती है जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं यही क्या करती हैं हार्मोन का उत्पादन करती हैं अब ये हार्मोन जो होते हैं ये पीयूष ग्रंथि में जाते हैं है। है। और दो तरीके से कार्य करते हैं या तो मोचक की तरह या निरोधी की तरह आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बस इतना ही है किसमें आपके हाइपोथैलेमस में खत्म बस इतनी सी चीज याद रखनी किसमें आपको बेटा हाइपोथैलेमस में न्यूक्लिय याद रखना ये वो तंत्रिका कोशिकाएं हैं याद रखना न्यूक्ली कौन है ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो क्या बना रही है हॉर्मोन बना रही है कौन से या तो निरोधी या मोचक जैसे मोचक का जीएनआरएच जो LHFSH, LHFSH कौन है ये होते हैं जो होता पर जाकर काम करते हैं उनको निकलवाता है मानव जनन में आपने पढ़ा था और सोमेटोस्टेटन ये निरोधी है जो वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रॉफिन को निकलने से रोकता है अब बारी आ रही है किसकी इसी की मास्टर ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं पीयूष ग्रंथि ये देखिए ये देखिए ये है थेमस ये वाला भाग क्या है है और नीचे फर्श जो है वो कौन है हाइपोथैलमस और इस हाइपोथैलमस से नीचे लटकती हुई कौन है बेटा जी ये पीयूष ग्रंथि ये नीचे लटकती हुई कौन पीयूष ग्रंथि ठीक है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ध्यान से देखिएगा ये हाइपोथेलमस और नीचे इससे लटकती हुई कौन है बेटा ये पीयूष ग्रंथी अभी देखिएगा थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बात को बेटा ये पीयूष ग्रंथि एक इस तरीके से एक हड्डी होती है हड्डी बोन होती है अस्थि होती है उस अस्थि के अंदर लोकेटेड होती है क्या बोला मैंने यह है एक अस्थि कौन है ये एक अस्थि है एक बोन है जिसके अंदर होती है फिक्स्ड होती है कौन बेटा ये आपकी पीयूष ग्रंथि इस हड्डी को इस अस्थि में संरचना को बोला जाता है टर्सिका क्या बोला जाता है सेला शायद लिखा होगा ये है हा से टर्सिका वेरी गुड क्या लिखा हुआ है सेला टर्सिका तो सेला टर्सिका क्या थी मेरे दोस्त सेला टर्सिका वो हड्डी है जिसके अंदर फिक्स्ड होती है धसी होती है कौन आपकी पीयूष ग्रंथि देख लीजिए पढ़ लीजिए पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है क्या मीनिंग है अस्थिल गुहा का मतलब अस्थिल का मतलब अस्थि अस्थि ने क्या बनाई है खाली जगह खाली जगह को क्या बोलेंगे गुहा तो मैंने क्या बोला मैंने बोला ये पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थि की गुहा में है एनसीआरटी ने डायरेक्टली बोल दिया क्या पीयूष ग्रंथि सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में होते हैं अब समझ में नहीं आता आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेला टर्सिका कौन है एक अस्थि है हमारे करोटी जो होती है हमारी करोटी जो होती है उसका एक भाग होता है क्रेनियम जो होता है उसका भाग होता है ना हमारी कपाल जो होती है ना कपाल की जो हड्डियां होती है उसमें से एक हड्डी होती है सेला का उसके अंदर फंसी होती है ठीक है अब आगे जो चीजें लिखी हुई है उसको आपको समझना पड़ेगा देखिएगा देखिए हमने बोला ये है हमारा हाइपोथेलमस ठीक है और इस हाइपोथेलमस से कौन जुड़ी हुई है हमारी पीयूष ग्रंथी ओके सर अब पियूष ग्रंथि इस, इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है एक डंठल के द्वारा ये डंडी सी दिख रही है हाँ सही डंडी दिख रही है इस डंडी का नाम हमारी एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ है मैं आपको नाम बता रहा हूं इसको बोलते हैं इनफंडी ब्यूलम क्या बोलते हैं बेटा इसको इनफंडी ब्यूलम और पता ये इनफंडी ब्यूलम एक और जगह शब्द आता है मादा जनन तंत्र में जो फेलोपियन नलिका होती है ना फेलोपियन नलिका उसका पथ जो होता है संकीर्ण पथ याद करिए याद करिए संकीर्ण पथ था जो गर्भाशय से जाकर जुड़ा था उसको भी हम इनफंडिब्यूलम बोलते हैं तो याद रखना ये क्या कहला रहा है इन्फंडिब्यूलम ये डंठल संरचना जो है डंडी की जैसी जो पीयूष ग्रंथि को हाइपोथेलिमस से जोड़ती है उसका नाम है इन्फनडिब्यूलम ओके सर अब ये है पीयूष ग्रंथि जिसके मुख्य रूप से तीन भाग हैं तीन भाग है कौन कौन से तीन भागे दिस इज कॉल्ड अग्र मस्तिष्क ये वाला जो है सॉरी अग्र कह रहा हूं अग्र पीयूष। इसको हम क्या बोलते हैं अग्र पीयूष, ठीक है यह वाला जो है इसको हम बोलते हैं पश्च पीयूष और ये जो है जो बहुत ही छोटा सा है बारीक सा है इनके बीच में मिल रहा है इसको हम बोलते हैं मध्य पीयूष ठीक है, so, कुल मिलाकर बेटा जी आपके कुल मिलाकर पीयूष ग्रंथि जो है उसके तीन भाग हैं अग्रपियूष मध्य पीयूष और पश्चिम पीयूष ठीक है अब इनका वैज्ञानिक नाम जरा ध्यान से सुनना इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है ध्यान से सुनिएगा इसको बोलते हैं अच्छा देखकर बताइए इनमें से कौन सी पीयूष ग्रंथि डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से संपर्क में है सोचिए ये हाइपोथेलिमस है हा सर और हाइपोथेलमस किसका भाग है सर मस्तिष्क का मस्तिष्क किसका भाग है तंत्री का तंत्र का नर्वस सिस्टम का सो so, पश्चे प्यूष डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में देखो ये वाली सीधा इसके कॉन्टेक्ट में ये वाली छोड़ना है, है ना तो ये वाली जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं पश्चे प्यूष को हम क्या बोलते हैं पार्स नर्वोसा याद रखना क्या बोलते हैं पार्स नर्वोसा नर्वोसा नर्वस सिस्टम ठीक है अब जरा देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मीनिंग समझना हमेशा मीनिंग पर फोकस करना रटा रटाया ज्ञान मैं तो ना ना नहीं बिलीव करता हूं रटे रटाया ज्ञान पर सिर्फ मीनिंग फील करना उस पर फोकस करेगा पार्श नर्वोसा नर्वोसा वर्ड किसा है नर्वस सिस्टम से ये वाला भाग डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के संपर्क में है अब देखिए अंग्रेजी का एक वर्ड होता है डिस्टल डिस्टल का मतलब होता है दूर अब आप मुझे बताएं हाइपोथैलेमस के पास कौन था ये था ना ये थोड़ा ना था ये दूर है ना किससे हाइपोथेलमस से दूर है पास कौन है ये है ये क्या है दूर है तो इसको हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस क्या बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस डिस्टेलिस वर्ड किसा है डिस्टल डिस्टल का मतलब होता है दूर तो हाइपोथेलमस से दूर पार्स डिस्टेलिस हाइपोथेलमस के संपर्क में यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है पार्स नर्वोसा अब अंग्रेजी का एक वर्ड है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मतलब दो चीजों के बीच में मिलने वाला अब जरा सोचिए मध्य इन दोनों के बीच में मिल रही है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है पार्स इंटरमीडिया क्या बोलते हैं इसको पार्स इंटरमीडिया ओके सर ये तो हो गया हमारा कुल मिलाकर नामकरण अब इधर देखिएगा पर्टिकुलरली इन दोनों को, किन दोनों को? इन दोनों को इधर देखिएगा गौर फरमाइएगा जनाब ध्यान से सुनिएगा इन दोनों को इन दोनों को किन दोनों को अग्र और मध्य प्यूष को पार्स डिस्टेलिस और पार्श इंटरमीडिया को मिलाकर किसको मिलाकर इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है एडीनो हाइपोफाइसिस क्या बोला जाता है एडीनो हाइपोफाइसिस तो व्हाट इज एडीनो हाइपोफाइसिस अग्र पीयूष और मध्य पीयूष मिलकर क्या कहलाता है एडीनो हाइपोफाइसिस ठीक है अब बचा क्या सर ये बच गया कौन पीयूष कौन सी पश्चे और उसकी डंडी कौन इन्फंडिब्यूलम इन्फंडिब्यूलम और पश्चिम पीयूष इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस तो न्यूरोहाइपोफाइसिस किससे बना हुआ है इस डंडी से इन्फंडिब्युलम और पश्चे पीयूष से एडीनो हाइपोफाइसिस किससे बना हुआ है अग्र और मध्य से तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि पीयूष ग्रंथि दो भागों से बनी हुई है सोचो पीयूष ग्रंथि जो है दो भागों से बनी हुई है कौन कौन सा एडीनो हाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस में ये दोनों भाग हाइपोफाइसिस में ये वाला और ये वाला भाग खत्म इतनी सी बात बोलिए क्लियर डंडन समझ में आ गया चले आगे ठीक है अब बात करते हैं इनमें मिलने वाले हार्मोन्स की सर यहां पर हार्मोन्स कौन से मिल रहे हैं तो छह हॉर्मोन आपने यहां पर याद रखने हैं जीएच एल एच एफ एस एच टीएसएच एसीटीएच टी एच और पी आर एल ये छह हॉर्मोन आपने याद रखने यहां पर किसमें में ठीक है पश्चे में आपको दो याद रखने हैं, एक है एडीएच जिसका दूसरा नाम है वैसो प्रेसिन और एक है ऑक्सीटोसिन ठीक है सर ये दो हैं, दो हो गए हैं ये, एक दो तीन चार पांच छ में, में, और मध्य में सर एक होता है यहां पर लिख दूं यहां पर एम एस एच तो एच महेंद्र सिंह होनी नहीं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एम एस एच जो कहां पर होता है मध्य में अभी सबके नाम देखेंगे ठीक है सो कुल मिलाकर कितने हार्मोन होंगे छह सात दो नो, नो हार्मोन हो गए हां सर इतने सारे हार्मोन निकल रहे हैं मेरे भाई नो हार्मोन ये तो अभी आप ग्यारहवीं कक्षा में देखते हैं नीट के रेस्पेक्ट में इतने हैं जब आगे जाकर बड़ी कक्षाओं में जाएंगे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो और भी कई सारे हार्मोन देखने को सुनने को मिलेंगे ठीक है अभी के लिए सिर्फ इतना हमारे कोर्स में इतने दे रखे मेरे दोस्त ठीक है चलें आगे अब इधर देखिएगा देखिए छह हार्मोन यही बनते हैं ध्यान से सुनना ये छह हॉर्मोन यही बनते हैं यही निर्माण होता है और यहीं से निकलते हैं पहली चीज ये वाला हॉर्मोन यही बनता है और स्त्रावित होता है लेकिन ये ये दोनों ये बनते यहां पर हैं ये बनते यहां पर हैं कहां पर बनते हैं मेरे भाई यहां पर बनते हैं ये यहां पर हाइपोथैलेमस में और स्टोर कहां पर हो जाते हैं यहां आकर कहां पर संचित हो जाते हैं यहां आकर कहां पर बन रहे थे सर यहां पर बन रहे थे कहां पर, पर बन रहे हैं दोस्त यहां पर बन रहे हैं कहां पर में बन रहे हैं दोनों हार्मोन और यहां आकर स्टोर हो रहे हैं और फिर यहां से निकल रहे हैं यानी पश्चे प्यूष कोई हार्मोन नहीं बनाती पश्चे प्यूष कोई हार्मोन नहीं बनाती बल्कि निकालती है वो जो दो हार्मोन जो वो निकाल रही है वो बनते कहा है हाइपोथेलेमस में डन क्लियर चलिए सर ये सारे हार्मोन हमें समझ में आ गए हैं अब इनके फंक्शन बता दीजिए ये कौन कौन से हार्मोन हैं आइए इन सब के फंक्शन हम देखने वाले हैं देखिए बाकी वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं प्रोलैक्टिन ये सारे हार्मोन के नाम दे रखे हैं कहां कहां पर है ये सारा यहां पर बता रखा है दोस्त ये देखिए यहां पर पश्चिम पीयूष ग्रंथी में यहां से ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं एडीएच या वेप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन को यहां पर बनाती है या निकाल देती है बाकी सारे जो है पीयूष ग्रंथी से निकल रहे हैं ठीक है चले अब इंपॉर्टेंट है इनके काम जो ये छह हार्मोन है इनके काम है सबसे पहला जीएच ग्रोथ हार्मोन सबसे पहला कौन सा है ग्रोथ हार्मोन भाई क्या कराएगा सीधी सी बात है वृद्धि कराएगा हमारे शरीर की अगर वृद्धि करानी है तो कौन रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है ठीक है सर वृद्धि कराएगा डन कोई तकलीफ नहीं थी ठीक है प्रश्न क्या पूछा जाएगा प्रश्न ये पूछा जाएगा अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकले या ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा अगर इसका अल्प स्त्रावण हो अल्प स्त्रावण हो पहली कंडीशन या अति स्त्रावण हो दूसरी कंडीशन बहुत ज्यादा निकले तो क्या है बहुत कम निकले तो क्या है सामान्य निकल रहा है तो हम जैसे लोग हम जैसे लोग सामान्य निकल रहा था है अल्प अगर निकलेगा तो जरा सोचिए बोनापन आएगा या नहीं आएगा आपने देखे होंगे बोने लोग देखें हम क्या बोलते हैं ड्वार्फ बोलते हैं अंग्रेजी में बोने होते। तो वो बोनापन किस लिए आता है? क्योंकि जी एच नहीं निकलता है बहुत कम मात्रा में निकलता है वही आपने खली जैसे लोग भी देखे खली जैसे दानव जिनको हम बोलते हैं हां दैत्य बोलते हैं दानव बोलते हैं जी हाँ बोलते हैं जाइंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में जी हाँ तो वो कब होते हैं जब जी एच बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है तो दोस्त पढ़ यहां पर देख क्या लिखा हुआ वृद्धि हॉर्मोन अति स्त्रावित होता है जिसे हम क्या बोलते हैं जाइगेंटिज्म क्या बोलते हैं जाइगेंटिज्म बोलते हैं याद रखना जाइगेंटिज्म हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में जाइंटिज्म और जाइंटिज्म का मतलब क्या होता है गाइगेंटिज्म भी बोल देते हैं जाइंट्स का बनना जाइंट्स मतलब देते हैं। दानव जैसा शरीर जो होता है उनका बनना ठीक है सिंपल खत्म खत्म पहला हार्मोन था आपका ग्रोथ हार्मोन खत्म सिंपल सा था कोई कंफ्यूजन नहीं था चले आगे नेक्स्ट एल एंड एफ दोनों में एक साथ ही बता रहा हूं क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एल एच एफ एस एच लूटिनाइजिंग हार्मो और फॉलिकल स्टमुलेटिंग हॉर्मोनिंग हारमोन पुटिका प्रेरक हॉर्मोन साहब इनको हम बोलते हैं हैं क्या बोलते है, क्योंकि ये गुनेड्स, गुनेड्स पर जाकर काम करता है। याद कर मानव जनन जब पड़ा था ये LH, मेरे अंदर नर के अंदर क्या कर रहा था वृषण में जाकर लेडिग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन निकाल रहा था हां सर याद कर नर में नर में एल एच क्या कर रहा था टेस्टो करवा रहा था हाँ सर करवा रहा था कि नहीं करवा रहा था बिल्कुल करवा था लेडिक से याद कर अंतराली कोशिका जिनको हमने बोला था वहीं एफ याद करो एफ ने क्या किया था याद कर दिमाग लगाओ सर एफ एस नर में निकला था हां निकला था सर्टोली कोशिका को प्रेरित किया था क्या करने के लिए पोषण देने के लिए याद रखना ये सर्टोली कोशिका जो होती है को प्रेरित करता है पोषण प्रदान करने के लिए पोषण प्रदान करने के लिए सर्टोली कोशिका को प्रेरित करता है कौन एफ जाओ सर्टोली कोशिका पर जाता है उनको प्रेरित करता है जाओ जी पोषण दो शुक्राणुओं को ठीक है चलिए ये तो हो गया नर में मादा में क्या था याद करो मादा में एलएच ने क्या कार्य किया था सर इस एल ने ग्रेफिन पुट्टिका को तोड़ा था यानी अंडोत्सर्ग कराया था अंडोत्सर्ग कराया था है ना और अंडोत्सर्ग कराने के बाद जो ग्रेफिन पुट्टिका टूट गई थी जो किसमें बदली थी कॉर्पस ल्यूटियम में यानी कॉर्पस ल्यूटियम याद आ रहा है कॉर्पस ल्यूटियम उसका निर्माण कराया था कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कराया था और उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टर भी स्त्रावित करवाया था इसी कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन स्त्रावित करवाया था किसने इस एल ने एफ जगह नहीं है यहां पर इधर लिख देता हूं इस एफ ने क्या कराया था पुट्टिकाओं का निर्माण कराया था पुट्टिका निर्माण कराया था ग्रेफिन पुटिका का निर्माण था और उन्हीं ग्रेफिन पुटिका से एस्ट्रोजन स्त्रावित कराया था एस्ट्रोजन स्त्रावित करवाया था समझ में आ गया ये हो गया आपका एल एच एफ एस एच मादा एल एस एल एच एफ एस एच किसमें नर में खत्म तीन हॉर्मोन हो गए जीएच एल एच एफ एस एच आइए अब और कौन से हमारे इसके अलावा बाकी जो है यहां पर सारे लिखे हुए मैं सारे बता रहा हूं तीसरा जो है वो है टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है सर हिंदी में थायराइड को थाइरोयड ही बोलेंगे स्टिमुलेटिंग को बोलते हैं प्रेरक थायराइड प्रेरक हार्मोन सर ये क्या करता है भाई साहब हमारे यहां पर थायराइड ग्रंथि होती है हाँ होती है थायराइड ग्रंथि जो होती है वो एक हार्मोन बनवाती है थायरोक्सिन थायरोक्सिन बनवाने में और उसके में कौन सहायता करता है ये? यानी ये ये हार्मोन मेरे पीयूष ग्रंथि से निकलकर आएगा किसमें थायराइड ग्रंथि में आया और थायराइड ग्रंथि को थाइरोइड ग्रंथि जो है उस ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका निर्माण और उसका श्रावण करवाने में सहायता करेगा यानी सोचो मैं हूं पीयूष ग्रंथि और ये है कौन सी थायराइड? मैंने क्या निकाला टीएसएच टीएसएच गया इसके पास किसके पास थायराइड? थायराइड ग्रंथि के पास जाकर इसको बोला क्या थायरोक्सिन हार्मोन बना और उसको निकाल ये काम है किसका टीएसएच का नेक्स्ट एसीटीएच टी एच एड्रीनो हॉर्मोन कौन सा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन लिखा हुआ ठीक है तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हॉर्मोन जो है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हॉर्मोन जो है ये क्या करता है देखिएगा हमारी किडनी जो होती है ना किडनी उस किडनी के ऊपर एक ग्रंथि मिलती है जिसका नाम होता है अधिव्रक एड्रीनल ग्रंथि ठीक है यह हम बाद में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एड्रीनल ग्रंथि जो होती है उसके दो भाग होते हैं बाहर वाला होता है वलकुट और अंदर वाला होता है मध्यांश वलकुट के भी तीन भाग होते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा जोना रेटिकुलरिस है ना भाग होते हैं तो इस वलकुट में जो जोना जो ग्लोमेरुलोसा जो होता है, अब ये बाद में आएगा अभी सिर्फ इतना सा याद रखना ये एड्रिनल ग्रंथि के पास जाता है इस ग्रंथि के पास जाता है और इस ग्रंथि से यहां से एक हार्मोन निकलवाता है जिसका नाम होता है ग्लूको आप बोले सर समझ नहीं आया ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक एड्रीनल ग्रंथी नहीं पढ़ेंगे ठीक है अभी सिर्फ इतना मेरे दोस्त क्या ये एसीटीएच जो है ये जाएगा और एड्रीनल वलकुट पर काम करेगा कौन सा ये एसीटीएच जो जाएगा ये हमारी एड्रीनल ग्रंथी का जो ये वलकुट भाग है ये वाला इस पर काम करेगा और यहां से हार्मोन निकलवाएगा जिसका नाम है ग्लूको हार्मोन निकलवाएगा अब सर यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा यह हम उस ग्रंथी में पढ़ेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है कार्टिकॉइड होता है होता है कई सारे होते हैं अभी सिर्फ इतना सा यह जाएगा एड्रीनल ग्रंथी के वलकुट पर काम करेगा और हॉर्मोन निकलवाएगा कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डन कितने हो गए हैं पांच आखिरी सर पांच हो गए आखिरी कैसे अरे मेरे दोस्त यहां पर ये वाला जो था हमने एक साथ ले लिए ना पहला दूसरा तीसरा चौथा है वैसे तो ये लेकिन नंबर तीसरा आ गया ये पांचवा हो गया और अब छठा होएगा नंबरिंग के हिसाब से ये पांचवा हमने ले लिया क्योंकि वहां पर दो हमने एक साथ देख लिए थे ठीक है पी आर एल प्रोलेक्टन प्रोलेक्टिन सर हिंदी में प्रोलेक्टन क्या काम करता है ये मादाओं के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास करता है स्तन ग्रंथी जो होती है उन स्तन ग्रंथि का विकास करवाता है हालांकि यह कार्य प्रोजेस्ट्रॉन का भी होता है याद रखना यह कार्य जो है प्रोजेस्ट्रॉन भी, भी करता है यह भी करता है ठीक है तो स्तन ग्रंथि का विकास करवाता है और साथ साथ मेजर काम जो है इसका वो है कि जब प्रसव होता है प्रसव होता है उस टाइम तो माता दुग्ध दुग्ध देती है अपने बच्चे को दुग्धपान कराती है तो स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण कराता है दुग्ध निर्माण करवाता है कौन प्रोलेक्टिन स्त्रावित नहीं कराता निर्माण कराता है सो ये थे बेटा टोटल आपके छह हार्मोन जो यहां पर लिखे हुए सारे के सारे जो मैं आपको बता चुका हूं ये थी हमारी कौन सी पीयूष ग्रंथि उसके ये थे हमारे छह हार्मोन जो कहां से निकले थे भाई साहब ये निकले थे हमारे पीयूष ग्रंथि से अब बचे हैं सर ये तीन मध्य पीयूष और पश्चिम पीयूष ये भी पढ़ने हैं आइए पढ़ते हैं आइए अब है मध्य पीयूष से जो निकलते हैं वो केवल एक ही था एम एस एच मिलेनो साइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन सर ये क्या करता है सर हिंदी में मेलेनोसाइट को मेलेनोसाइट ही बोलेंगे मेलेनोसाइट उत्प्रेरक या प्रेरक हार्मोन, ठीक है ये क्या करता है देखिए हमारी त्वचा की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम मेलेनोसाइट बोलते हैं क्या त्वचा कोशिका वो त्वचा की कोशिका जिनको हम मेलेनोसाइट बोलते हैं वो मेलेनोसाइट जिनमें मेलानिन मेलानिन वर्णक मिलता है ठीक है और यही मेलानिन वर्णक त्वचा तो अच्छा का रंग निर्धारित करता है बहुत सारा मेलानिन काला कलूटा हो जाता है बहुत कम मेलोनिन मेलानिन गोरा हो जाता है व्यक्ति है ना सो तो कुल मिलाकर मेलानिन एक वर्णक है जो मेलेनोसाइट कौन होती है त्वचा तो अच्छा की कोशिकाएं है होती हैं इस मेलानिन वर्णक के निर्माण को निर्धारित करता है कौन एमएसएच एमएसएच अगर ज्यादा निकल रहा है मेलेन ज्यादा बनेगा आदमी थोड़ा सा काला हो जाएगा ये कम बनेगा ये ये कम निकलेगा तो ये कम बनेगा कम बनेगा तो सी बात है आदमी थोड़ा सा गोरा हो जाता है ठीक है सो कुल मिलाकर एमएसएच का ये कार्य होता है नेक्स्ट तीसरी जो है तीसरी जो ग्रंथि जो है जिसका नाम तीसरा भाग जो है पीयूष ग्रंथि का वो कौन है बेटा जी हमारी ये देखिए ये देखिए मेलेनोसाइड प्रेरक हार्मोन मेलेन युक्त कोशिकाएं जो होती है उन पर काम करता है और त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है यानी त्वचा जो है उसका कलर डिसाइड करवाता है ठीक है अब है कौन सी बेटा हमारी यहां पर आखिरी जो है वो है ये पश्चिम पीयूष ग्रंथि जिसमें मैंने आपको बता दिया है दो हार्मोन निकल रहे हैं एडीएच वेसोप्रेसिन दूसरा नाम है इसका वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन देखिए मेरे दोस्त एडीएच वेसोप्रेसिन इसका कार्य हम देख चुके हैं कहां पर उत्सर्जन तंत्र में साहब एडीएच ने क्या किया था याद करिएगा सर इस एडीएच ने जाकर हमारी जो वक्राणु थी उसकी दुरस्थ संवलित नलिका से जल का अवशोषण कर लिया था याद कर वैसोप्रेसिन इसी का दूसरा नाम था जो एक और कार्य कर रहा था क्या ब्लड वेसल्स को रक्त नलिकाओं को संकुचित किया था जिससे रक्त दाब बढ़ गया था ये लीजिए इसका काम हो गया ऑक्सीटोसिन सर इसने क्या किया था बेटा ऑक्सीटोसिन क्या करता है स्तन ग्रंथियों में जब दुग्ध का निर्माण हो जाता है तो उस दुग्ध के श्रावण में सहायता करता है कौन ऑक्सीटोसिन याद रखना ऑक्सीटोजन दुग्ध के स्त्रावण में सहायता करता है भूल ना जाइएगा याद रखिएगा ये देखिए ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है देख ऑक्सीटोसिन जो होता है अच्छा ऑक्सीटोसिन के दो काम है एक तो दुग्ध के स्त्रावण में काम करता है दूसरा प्रसव में सहायता करता है प्रसव के लिए क्या करना है सोचिए गर्भाशय मानव जनन में आपने पढ़ा था प्रसव कराने के लिए गर्भाशय की जो मध्य गर्भाशय भित्ती होती है मायोमेट्रियम होती है उसके अंदर संकुचन कराना पड़ता है ना जिससे बच्चा बाहर आता है पढ़ा है ना सो ये जो है मायोमेट्री मध्य गर्भाशय भित्ति जो मांसपेशियों से बनी होती है उसको प्रेरित करता है संकुचन शीतलन के लिए प्रसव के लिए प्रेरित करता है जिससे कहीं ना कहीं गर्भाशय पेश, पेशियां जो होती हैं वो बच्चे को संकुचन होता है जिससे बच्चा बाहर आ जाता है यानी प्रसव करवाता है ठीक है तो क्या मैं ऑक्सीटोसिन को बर्थ हॉर्मोन बोलूंगा याद रखना भूलना चाहिए ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं क्योंकि बर्थ कराने में सहायता करता है और दूसरा दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के त्रावण को प्रेरित करता है याद रखना जो दुग्ध का त्रावण करवाना है उसके लिए प्रेरित कौन करता है आपका ऑक्सीटोसिन बाकी एडीएच जो होता है यह वैसोप्रेसिन एडीएच मैंने आपको बता दिया एडीएच जो होता है बेटा जी ये कहीं ना कहीं एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन है कहीं ना कहीं जल का जो हास हो रहा था उसके लिए जल का पुनरावशोषण करता है और वैसोप्रेसिन जो होता है कहीं कहीं ना कहीं नलिकाओं को संकुचित करता है

ठीक है सो पिनियल ग्रंथि जो होती है ये भी अग्र मस्तिष्क का जो पीछे वाला भाग है ये हमारा पूरा अग्र मस्तिष्क है ये पूरा अग्र मस्तिष्क है इस पूरे अग्र मस्तिष्क के पीछे की तरफ मिलती है कौन देख ये पूरा अग्र मस्तिष्क है ये वाला इस पूरे अग्र मस्तिष्क मान के चले तो ये पूरा अग्र मस्तिष्क है इस अग्र मस्तिष्क के पीछे वाला भाग जो होता है इस पर मिल रही है कौन बेटा पिनियल ग्रंथि सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है एक हॉर्मोन स्त्रावित कर रही है जिसका नाम है मेलाटोनिन कौन सा मेलाटोनिन मेलाटोनिन सर ये मेलाटोनिन हमारे अंदर क्या कार्य करता है इसके भी कई सारे कार्य जैसे आप दिन में उठते हो सुबह उठते हो रात को सोते हो ये आपकी दैनिक क्रिया है दैनिक दिनचर्या है हाँ सर रात को सोना सुबह उठना है। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं जैविक घड़ी भी बोलते हैं ना सो ये जो दैनिक ले जो होता है चौबीस घंटे का ये मेंटेन करता है इसका नियंत्रण करता है कौन मेलाटोनिन याद रखना हमारी जो जैविक घड़ी जो होती है सुबह उठना रात को सोना यह करवाने में कौन सहायता करता है मेलाटोनिन अब जरा सोचिए मेलाटोनिन अगर नहीं निकलेगा तो सोने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पड़ेगा ना तो याद रखना भूलना जाइएगा इन बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इन रात्रि निद्रा नहीं आ पाती है किसमें अगर मेलाटोनिन नहीं निकलता है ठीक है नेक्स्ट और क्या देखिए सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है डन उसके अलावा शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है याद रखना हाइपोथेलमस भी करता है हाइपोथेलमस भी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हमारी एनसीआरटी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन अब यहां लिखा हुआ है तो यहां के हिसाब से याद रखना शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है कौन बेटा जी ये लेकिन मेजर कौन करता है याद रखना हाइपोथैलेमस करता है भूलना जाइएगा हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है हाइपोथैलेमस उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये भी करता है डन उसके अलावा इन के अतिरिक्त और क्या करता है बेटा वो पापच नियंत्रित करता है वर्णकता मासिक चक्र जो होता है महिलाओं में प्रतिरक्षा जो होती है उसको नियंत्रित करता है यानी ये सारी चीजें भी याद रखनी है जिसमें से ये जरूर याद रखना पूछ लिया गया है मासिक चक्र आर्तव चक्र को मेलाटोनिन नियंत्रित करता 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 है करता है बिल्कुल करता है है यस बिल्कुल ठीक सो ये थे किसके पिनियल ग्रंथि से निकलने वाले मेलाटोनिन बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कुछ भी नहीं ये दैनिक लय दैनिक दिनचर्या जैविक घड़ी ये जरूर याद रखना भूलना जाना उठना सोना ये जो क्रम जो है चक्र जो है ये नियंत्रित करता है कौन मेलाटोनिन नेक्स्ट अब इसके बाद अगली जो ग्रंथि आ रही है वो आ रही है थाइरॉयड ग्रंथि याद रखना हालांकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ सबसे बड़ी सबसे बड़ी अंतस्त्री ग्रंथि है याद रखना सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि जो है वो हमारे अंदर कौन सी है थाइरोयड ये <coughs> ठीक है चले आगे ओके सर जरा देख लीजिए आराम से यहां पर मिल गई यहां पर ठीक है अब ये जो थायराइड ग्रंथि जो होती है ध्यान से देखिएगा ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ये कहां पर होती है जो हमारी श्वास नली होती है ना श्वास नली ये श्वास नली है ये, ये श्वास नली जा रही है इस श्वास नली के इस श्वास नली के दोनों तरफ होती है एक इधर वाला भाग Osionfish. और एक इधर वाला भाग दो पालियां होती हैं किसकी थायराइड की एक ये वाली है एक ये वाली है और इन दोनों पालियों को इधर देखना गौर देना गौर से देखना जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक तो ये वाला भाग है एक ये वाला लोब है एक ये पाली है एक ये पाली है किसकी थायराइड की और इन दोनों पालियों को जोड़ने का काम इन दोनों पालियों को जोड़ने का काम यह संरचना करती हुई दिखाई दे रही है हाँ सर संरचना अब ये डायग्राम इधर देख आराम से ये एक पाली ये एक पाली और इन दोनों पालियों को जोड़ने का काम ये संरचना कर रही है फिर से देख यहां पर देख ए, ये देखो आराम से देखो ये देखो आगे से और पीछे से आगे से जब हम देखते जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो ये वाला ये पाली ये पाली और आगे से ये पीछे से जब हम देखते हैं जैसे मेरे पीछे से देखोगे तो आपको पीछे से दो पालियां दिखेंगी यानी ये दो पालियां आगे से जुड़ी हुई हैं, पीछे से नहीं जुड़ी हुई हैं, ठीक है चलिए सर समझ में आ गया क्लियर डंडन दंदन। आडंडन कितनी है पालियां सर यहां पर टोटल कितनी पालियां सर दो पालियां हैं आपस में जुड़ी हुई है डन तो थारॉइड ग्रंथि जो है वो श्वास नली के दोनों तरफ स्थित होती है दोनों पालियां होती हैं दोनों पालियां जो होती हैं वो एक स्थमस नामक देखो स्थमस वापस से आया है स्थमस वहां पर क्या आया था इनफंडिब्यूलम याद कर वहां पर जो पीयूष ग्रंथि की डंडी थी उसका नाम क्या था इनफंडिब्यूलम और यहां पर क्या रहा है स्थेमस कहां पर यह भी फेलोपियन नलिका में था कौन हाँ, पहले माफ करना संकीर्ण पथ जो था उसको हमने इस्थमस बोला इनफंडी विलम को नहीं बोला था इनफंडी विलम को हमने इनफंडी को हमने हिंदी में क्या बोला था कीपक, क्या बोला था की हाँ हां बोला था जिससे झाल उंगली नुमा संरचनाएं निकल रही थी चल सो so, इन्फंडीबुलम को हमने क्या बोला था देखो याद करिए फेलोपियन नलिका के कौन कौन से भक्त इनफंडीबुलम था एम्पुला था स्थेमस था है ना और उससे कुछ उंगली नुमा संरचनाएं मिल रही थी इनफंडीबुलम को हमने बोला कीपक एम्पुला को हमने बोला था तुम्बिका और इस्थिमस को बोला था संकीर्ण पथ तो स्थित यहां पर दो वर्ड फेलोपियन नलिका के मिल गए हैं स्थेमस कौन है ये वाला भाग जो है ये कौन है स्थेमस है जो वहां पर था ठीक है और इन्फंडीबुलम वो जो जो पीछ ग्रंथि में डंडी थी इनफंडीबुलम कीपक के जैसी वो वहां पर थी ठीक है डंड चल अब बात आ रही है सर यहां तक तो चीज क्लियर है अब हमने बोला प्रत्येक थारॉइड ग्रंथि जो है यानी थाइड ग्रंथि की ये जो दो पालियां हैं इन पालियों की जब हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं पुटक दिखाई देते हैं ग्रंथि पुटक फॉलिकल्स बोलते हैं कुछ ऐसे ये देख इनको थाइरोड फॉलिकल्स बोलते हैं क्या बोलते हैं थाइरोयड फॉलिकल्स बोलते हैं थाइरॉइड फॉलिकल्स आपको यहां पर शायद टीएफ दिख रहा होगा थाइड फॉलिकल्स थायराइड फॉलिकल है ये 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 टी एफ दिख रहा है ना ये थायराइड फॉलिकल है यह खाली जगह है खाली जगह है ये खाली जगह है, है।, है जो किससे घिरी हुई है कोशिकाओं से ये देखिए ये कोशिकाएं दिख रही हैं ये कोशिकाएं है डन समझ में आया फिर से बोलूं फिर से देख हमने थायराइड ग्रंथि को काटा काटने के बाद उसका छोटा सा टुकड़ा लिया माइक्रोस्कोप में देखा हमें ऐसी संरचना दिखाई ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है याद रखना हमने देखा यहां पर ये खाली खाली जगह है जो चारों तरफ से कोशिकाओं से ये थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं और ये थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं हार्मोन बना रही और वो हार्मोन यहां पर एकत्रित हो रहे दो तरीके के हार्मोन होते हैं एक का नाम होता है टी फोर और एक का नाम होता है टी थ्री जो पर्टिकुलरली टी थ्री होता है इसको हम थारॉय थारॉक्सिन बोलते हैं सर टी फोर टी थ्री क्या है देख यहां पर देख क्या लिखा हुआ है दो हार्मोन है एक है टी फोर और एक है टी थ्री फोर टी थ्री की फुल फॉर्म क्या है, T4 है अब आप क्या? आइडोनिन टी फोर है क्या? टेट्राइडोनिन टी फोर जो है माफ करना T4 जो है उसका नाम है क्या T3 का टी फोर का नाम है क्या Thyroksin. देखो थन अथवा थायरोक्सिन तथा ट्राई था, यानी फिर से देख ध्यान से सर, फिर से देख देख ये है थायराइड ग्रंथि का काट थायराइड ग्रंथि को जब हमने काटा हमें अंदर दिखाई दी खाली खाली जगह जिनको हमने बोला थायराइड फॉलिकल पुटक और इनके बीच में भरण ऊतक था भरण ऊतक यानी भरा पड़ा है क्या कोशिकाओं का समूह ये कोशिकाएं जो है ये किसकी है थायराइड ग्रंथि की कोशिका ओके सर नॉर्मल ठीक है इन कोशिकाओं ने यहां पर हॉर्मोन निकाला दो तरीके के हॉर्मोन एक ऐसा हॉर्मोन जिसमें आयोडीन के चार अणु हैं एक ऐसा जिसमें आयोडीन के तीन अणु है जिसमें आयोडीन के चार अणु है उसको मैं क्या बोलूंगा टेट्रा आइडो आइडो मतलब आयोडीन टेट्रा थायरोनिन यानी ऐसा थायरोक्सिन जिसमें तीन अणु जिसमें चार अणु है किसके आयोडीन के और ट्राइआइडो थारोनिन जिसमें तीन अणु है किसके आपके आयोडीन के यानी कहीं ना कहीं थायरोक्सिन जो था वो तो टी था टी थ्री को नहीं बोलेंगे टी थ्री इज नॉट थायरोक्सिन थायरोक्सिन कौन सा होता है जिसमें चार अणु होते हैं किसके किसके आयोडीन के उसको हम क्या बोलते हैं थायरोक्सिन बोलते हैं याद रखना टी फोर को हम क्या बोलते हैं थायरोक्सिन बोलते हैं थायरोक्सिन टी थ्री को नहीं बोलते हैं तो मेजर सबसे ज्यादा हार्मोन जो बनता है वो कौन सा बनता है बेटा याद रखना ज्यादातर कौन सा बनता है टी फोर बनता है टी थ्री इतना नहीं बनता और जो T3 बनता है ना वो भी बाद में बदल जाता है किसमें टी फोर में एक आयोडीन ऐड करने से ये टी थ्री टी फोर में बदल जाता है सो so, कहने वाली बात है कि जो मेजर हॉर्मोन जो बनेगा थारॉयड ग्रंथी में वो कौन सा बनता है टी फोर बनता है थायरॉक्सिन बनता है इसीलिए बचपन से आप सुनते आ रहे हैं क्या थायरोक्सिन 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 कहां पर बनता है थारॉइड ग्रंथि में तो थारॉयड ग्रंथि में पूरा बता रहा हूं ध्यान से सुनना ग्रंथि में ये क्या है खाली जगह के पुटक कहलाते हैं फॉलिकल्स जो चारों तरफ से घिरे पड़े किससे ऊतक से भरण ऊतक कहला रहा है जिसमें कोशिकाएं मिल रही हैं कोशिकाएं है जो है आयोडीन का इस्तेमाल करके क्या बनाती हैं दो हार्मोन एक है थायरोक्सिन जिसमें चार आयोडीन होते हैं और एक है ट्राइ आइडो जिसमें तीन आयोडीन के अणु होते हैं ये T3 बाद में T4 में बदलता जाता है बदलता जाता है तो बहुत ज्यादा बनता है कौन यहां पर थायरोक्सिन डन चलिए सर अब आगे अब ये थायरोक्सिन करता क्या है ये तो चीज समझ में आ गई है अच्छा एक और चीज अगर ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं भाई साहब थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए आयोडीन नमक में होता है बाकी आप जानते हैं नमक में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी या आयोडीन आपके शरीर के अंदर कम जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ये रोग हो जाता है नाम सांप आपने सभी ने सुना है घेंगा सुना है गोइटर सभी ने सुना है घेंगा गोइटर ये रोग जो है कौन सा बेटा जी आपका गलगंड क्या बोलते हैं इसको गोइटर गलगंड बोलते हैं याद रखना भूल ना जाना अगर आयोडीन की कमी हो जाती है ठीक है तो ये गलगंड हो जाता है गोइटर हो जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे आयोडीन की कमी हो रही है ठीक है चलिए ये तो सिंपल सी बात थी अब बात आ रही है ध्यान से सुनना गर्भावस्था के समय ध्यान से सुनना गर्भावस्था के समय अवस्थम के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि कम हो जाती है इससे बच्चे की रुक जाती है इसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं या वामनता तथा मंदबुद्धि त्वचा असामान्यता मुख बद्रता आदि हो जाती है अब आप बोलेंगे सर ये क्या है ठीक है क्या बोले क्या बोलेंगे सर ये क्या है आइए समझते हैं देख मैं हूं मान लें थायरोड ग्रंथि ध्यान से सुनना ये जो चीज जो लिखी है आपको मैं पूरा तरीके से समझाता हूं मैं हूं मान लो एक था ग्रंथि हूं मैं ठीक है और मुझे क्या बनाना है थायरोक्सिन बनाना है क्यों बनाना है क्योंकि थायरोक्सिन आगे जाके बहुत सारे काम करने वाला अभी काम देखेंगे उनका मैं हूं थायरॉइड ग्रंथि मुझे क्या चाहिए बनाना है थायरोक्सिन और बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए आयोडीन आयोडीन मुझे कहां से मिल रहा है थायराइड ग्रंथि को भोजन से मिल रहा है जो भोजन मैंने खाया जिसमें नमक था उसमें आयोडीन था उस आयोडीन को ये थायराइड ग्रंथि ये थायराइड ग्रंथि मेरे रक्त में से आयोडीन को निकालती है एब्जॉर्ब करती है आयोडीन अंदर जाता है थायरोक्सिन बनता है डंडना डंडन ओके अब इमेजिन कर मैं हूं थायराइड ग्रंथि मेरे अंदर आयोडीन नहीं आ रहा रक्त में से नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगी मैं फैलूंगी और खींचने की कोशिश करूंगी समझा क्या बोला यह थायराइड ग्रंथि खींचने की कोशिश करेगी निकालने की कोशिश करेगी अब कोई चीज अगर निकालनी है तो फैलना पड़ेगा हां सर तो यह थायराइड ग्रंथि फैली फूली क्या खींचने के लिए आयोडीन जब आयोडीन नहीं मिल रहा था आयोडीन नहीं मिल रहा था तो इस कंडीशन को हमने बोला अव थाइडता था। क्या बोला अव थो था, थम अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपो थार अव था क्या हो रहा था कहीं ना कहीं कही थायरोक्सिन नहीं बना था इस कंडीशन में थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या हो गई फूल गई खींचना था और जब फूल गई तो ये वाली कंडीशन आ गई कौन सी गलगंड गोइटर बन गया ये ये देखो फूल गई है तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी तो आपको समझ में आ गई यहां तक अब बोल रहा है कि अगर कोई गर्भ गर्भावस्था में कोई महिला है गर्भ धारण कर रखा है तो उसके अंदर क्या नहीं बन रहा थायरोक्सिन नहीं बन रहा हाँ सर उसको ग्वाइटर हो रहा है मैंने कहा तो इस कंडीशन में उसका जो बच्चा है ना वो प्रभावित होएगा उस बच्चे में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी बेटा मंद बुद्धि हो जाएगी है ना और वृद्धि रुक जाएगी कहीं ना कहीं त्वचा जो होगी वो नॉर्मल नहीं होएगी कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाएगा सुन नहीं पाएगा तो ये सारी कंडीशन हो जाएगी इसको बोला जाता है क्रिटिनिज्म इस कंडीशन को क्या बोलते हैं वृद्धि जब रुक जाती है इसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिनिज्म तो क्रिटिनिज्म उस बच्चे में हो रही है जो अपनी मम्मी के गर्भ में है जिस मम्मी के अंदर थायरोक्सिन हॉर्मोन नहीं बन रहा आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी अब आगे बढ़ते हैं अब बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं अगर ये कंडीशन एक व्यस्क स्त्री के अंदर हो जाए जिसने गर्भ धारण नहीं कर रखा तो उसकी जो मासिक चक्र है उस पर प्रभाव पड़ेगा यानी मासिक चक्र को भी नियंत्रित करता है कौन आपका थायराइड से निकला थायरोक्सिन हार्मोन ठीक है थायराइड का अगर कैंसर वैंसर हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा कैंसर में कोशिकाएं बढ़ जाती हैं आप जानते हैं ना कैंसर में कोशिकाएं बढ़ जाती हैं तो थायराइड का अगर कैंसर होएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा थारॉयड अतिक्रियता हो जाएगी नहीं आया समझ में सोच थायराइड में क्या हो गया कैंसर कैंसर में क्या होता है कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती हैं, थायराइड के कैंसर में कोशिकाएं जल्दी जल्दी वृद्धि कर लेंगी सर गांठ बन जाएगी और थायरोक्सिन बहुत ज्यादा निकलेगा इसको हम क्या बोलेंगे थाइरोयड अतिक्रियता भाई साहब कोई चीज हद से ज्यादा बन जाए तो भी नुकसान कम बने तो भी नुकसान तो सामान्य मात्रा में चाहिए होगा ना तो बहुत ज्यादा बन रहा है बहुत ज्यादा बन रहा है तो इसका शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कम बन रहा था तो आपने देखा ही है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बेटा घेंगा हो जाएगा है ना समझ में आ गया गलगंड हो जाएगा ठीक है चलिए अब बात कर रहे हैं सर ये थायराइड हार्मोन कर क्या रहा था इस थायराइड हार्मोन का कार्य क्या था देखिए थायराइड हार्मोन हमारे अंदर बीएमआर को रेगुलेट करता है बीएमआर एम आर दर क्या होता है बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट सर जी क्या होता है मैंने बोला मैं भाग रहा हूं भागने के लिए क्या चाहिए ऊर्जा तो ऊर्जा की जो दर होती है ऊर्जा निर्माण दर जो होती है जिस रेट से ऊर्जा खर्च होती है ऊर्जा निर्माण की दर या ऊर्जा खर्च करने की दर कह देता हूं निर्माण नहीं ऊर्जा खर्च करने की दर ऊर्जा खर्च करने की दर जो होती है निर्माण नहीं सॉरी ऊर्जा खर्च करने की जो दर जो होती है उसको हम बोलते हैं बीएमआर अब आप बोलेंगे क्या सर देख तुमने खाना खाया हाँ सर खाया तुम्हारे खाने में ग्लूकोज या मतलब कार्बोहाइड्रेट थे हाँ, सर थे वसा थी हाथ थी प्रोटीन था हाँ, था गया गया कोशिका ठीक क्या करोगे साहब उसका तोड़ोगे श्वसन में यही तो करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको हम तोड़ते हैं ग्लूकोज को है ना कार्बोहाइड्रेट नहीं होते तो वसा को तोड़ते वसा नहीं होती तो प्रोटीन को तोड़ते तोड़ते किस लिए सर ऊर्जा बनाने के लिए ऊर्जा बन गई बन गई अब उस ऊर्जा को खर्च नहीं करेगा करेगा ना तो जिस दर से जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से जिस रेट से तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा बनी है उसको तुम खर्च करोगे उस दर को उस रेट को उसको हम क्या बोलेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट उपापचयी दर बोलेंगे आधारीय उपापचयी दर बोलेंगे ठीक है और सिंपल भाषा में और सिंपल भाषा में बोलू देख मैंने कहा मैं भाग रहा हूं मैं भाग रहा हूं बता मेरा बीएमआर बढ़ रहा है कि घट रहा है सोच 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 मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूं मेरा बीएमआर बढ़ रहा है कि घट रहा है तो याद रखना जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऊर्जा के खर्च करने की दर बढ़ती है यानी हमारा बीएमआर बढ़ता है अब जरा सोच अगर मेरा बीएमआर बढ़ रहा है तो मेरा वेट बढ़ेगा कि कम होएगा? सोच अरे कॉमन सेंस लगा मैं एक्सरसाइज करूंगा इसलिए करूंगा मेरा वेट बढ़ जाए नहीं ना तो मेरा वेट क्या हो रहा है कम हो रहा है समझ में आ गया तो याद रखना जब बीएमआर बढ़ता है यानी ऊर्जा खर्च हो रही है ऊर्जा खर्च हो रही है तो पोषणीय पदार्थ यूज में आ रहे हैं एकत्रित नहीं हो रहे अगर एकत्रित होंगे तो मोटापा नहीं आ जाए सच है ना तो कहीं ना कहीं बीएमआर बढ़ता है तो वेट घटता है वही इसका उल्टा कर दीजिए अगर बीएमआर घटेगा ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है आलसी है आदमी वेट बढ़ेगा कि कम होएगा बढ़ेगा ना तो याद रखना भूलना जाइएगा ये बी को नियंत्रित करता है कौन थायरॉयड हार्मोन थायरॉयड हार्मोन यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये हमारा जो बीएमआर जो होता है उसको रेगुलेट करता है यानी कहीं ना कहीं उपापचय करवाता है किसका कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन का वसा का इन सब का उपापचय करवाने के लिए इनका संश्लेषण और इनका विखंडन जो है वो करवाने में नियंत्रित करता है साथ ही साथ हमारे आरबीसी का निर्माण करने में सहायता करता है कौन थायरोक्सिन साथ ही साथ बेटा जल और जो वेदुत अपघट होते हैं इनकी मात्रा को भी नियंत्रित करता है कौन थायरोक्सिन हार्मोन तो जरा सोच कितने सारे कार्य हो गए हैं मेजर मेजर कार्य याद रखना बीएमआर को रेगुलेट कर रहा है ठीक है पहला आरबीसी निर्माण को रेगुलेट कर रहा है तीसरा इसी से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इनके उपापचे को नियंत्रित करता है तभी तो बीएमआर रेगुलेट होएगा, है ना और चौथा जल और मेरे दोस्त वैद्युत अपगट जो होते हैं इनकी मात्रा को नियंत्रित करता है तो ये कार्य है कि इसके अब देखिए हमारी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन तो निकल रहा था एक और हार्मोन निकलता है इसका नाम होता है थारोन कौन सा होता है थायरो कैल्सिटोनिन या सिंपल इसको कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं या सिंपल कैलसीटोनिन भी बोलते हैं याद रखना कौन सा कैल्सिटोनिन हार्मोन बोलते हैं कैलसीटोनिन अब ये कैल्सिटोनिन क्या करता है बेटा हमारे रक्त में जो कैल्शियम होता है ना उसको निकालकर हमारी हड्डियों पर डालता है क्या बोला मैंने ये जो कैल्सीटोनिन जो होता है यहां पर लिख दू मैं आपको यहां पर लिख देता हूं हाँ कैल्सिटोनिन जो होता है ये दूसरा हार्मोन है हमारी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला ये हमारा रक्त है रक्त नलिका है हां सर रक्त है इसके अंदर रक्त है इस रक्त के अंदर कैल्शियम है हाँ सर कैल्शियम को निकालकर हड्डियों पर चढ़ाता है हड्डियों पर डाल देता है किसको कैल्शियम को निकालकर रक्त में से हड्डियों पर डालता है तो जरा सोचिए क्या मैं बोल सकता हूं कैल्सिटोनिन रक्त में रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है कि बढ़ाता है सोचो भाई रक्त में से अगर तुम कैल्शियम निकाल निकाल कर निकाल निकाल कर हड्डियों पर डालते जाओगे तो रक्त में क्या कम हो जाएगा कैल्शियम तो ये कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है डन क्लियर कोई दिक्कत तो नहीं है अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो क्या होएगा? हमारे रक्त में कैल्शियम कम होता जाएगा मैंने कहा तो सर बढ़ाना भी तो पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा मैंने कहा तो सर कौन रक्त में डालेगा मैंने कहा अभी रुको अभी बताते लेकिन उससे पहले मेरे को एक और चीज बता दो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कैल्सिटोनिन हमारी हड्डियों को मजबूत करता है सोच सोच भाई हड्डियां मजबूत कब होगी जब कैल्शियम एकत्रित तो होगा एक हड्डियां तभी तो मजबूत होंगी तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि यह बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है बनाता है कि नहीं करता बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है है ना कैसा कर देता है स्ट्रांग कर देता है ठीक है सो यह सिंपल सी चीज समझ में आ गई ये चीज याद है बेटा ये हमारा थायराइड ग्रंथि खत्म हुई है अब इसी थायराइड ग्रंथि को जरा गौर से देखिए थायराइड थायराइड ग्रंथि ग्रंथि इसी पर जरा देख ये दे, एक दो तीन चार दिख रही चार है छोटी छोटी चार ये थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि पर ही क्या मिल रही है पैरा थायराइड ग्रंथि ये कितनी है चार एक पाली पर ये एक पाली थी हां सर ये दूसरी पाली है हा सर एक पाली पर एक जोड़ी दूसरी पाली पर दूसरी जोड़ी टोटल दो जोड़ी क्या मिल रही है आपकी पैरा थ्रंथी ये देखो पैरा थारॉइड ग्रंथी कहां पर मिल रही है एक एक पाली पर ये ये ऐसे लग रहा बटन लगा दी है ना इस पर भी एक ये एक ये एक डन ये है आपकी कौन पैरा पैराथाइरोड ग्रंथी अब सर ये पैरा पैराथाइर ग्रंथी कहां पर मिलती है ये तो समझ में आ गया कार्य क्या करती है ध्यान से सुनना बेटा ये पैरा पैराथाइर ग्रंथि से हार्मोन निकलता है जिसको हम पैरथ हॉर्मोन क्या बोलते हैं पैराथाइरोड हॉर्मोन या पैरथ हॉर्मोन बोलते हैं क्या बोलते हैं पैरा थाइरोइड हॉर्मोन पीटीएच या पैरथ हॉर्मोन या कॉलिप हॉर्मोन भी कहते हैं अब ध्यान से सुनिएगा ये जो कॉलिप हॉर्मोन जो है ये तो चलो समझ में आ गया पैराथायरॉयड ग्लैंड है ग्रंथि है इससे जो हार्मोन निकलेगा वो पैराथाइरोड हार्मोन कहलाएगा शॉर्ट में हमने थारॉयड हटाकर क्या बोल दिया पैरथ हॉर्मोन बोल दिया कॉलिप क्यों बोला क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी उसका नाम कॉलिप था भाई सीधी सी बात है ठीक है सो एक ही चीज है कोई अलग नहीं है एक ही नाम है यह अलग नाम नहीं है एक ही नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन बोल दो पैराथॉर्मोन बोल दो कॉलिफ हॉर्मोन बोल दो एक ही चीजें सर कर क्या रहे हैं मेरे दोस्त मैंने अभी तुम्हें यह बताया था कि रक्त में से अगर कैल्शियम निकालकर अस्थियों पर डालते जा रहे हैं तो ठीक है अच्छी बात है अस्थियां मजबूत हो रही है लेकिन रक्त में तो कैल्शियम कम हो गया ना तो रक्त में कैल्शियम डालना पड़ेगा ना बैलेंस करना पड़ेगा भाई तुम कैल्शियम निकालते जाओगे तो रक्त में तो कैल्शियम कम हो गया उस हिसाब से तो कैल्शियम बचेगा ही नहीं फिर है तो कैल्शियम डालना भी तो पड़ेगा तो ये कैल्शियम को अंदर रक्त में बढ़ाने का काम कौन करती है ये हार्मोन, ये पी टी एच जो होता है ये हमारे रक्त नलिका में जहां पर क्या है रक्त है उसमें कैल्शियम को ऐड करता है रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है याद रखना क्या करता है रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ध्यान से सुनना आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कैल्शियम के स्तर का हमारे शरीर में समन्वय कैल्शियम के कैल्शियम की मात्रा का हमारे शरीर में बैलेंस कौन करता है तो दो हार्मोन, एक वो जो इस ग्रंथि से निकलते हैं कौन पैरथ हॉर्मोन जो रक्त में कैल्शियम को डालते हैं और एक यहां से निकलने वाला थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जिसका नाम है कैलसीटोन जो कैल्शियम को निकालता है एक कैल्शियम कैल्शियम को को निकाल रहा रहा है है डाल तो बैलेंस हो रहा है खत्म इतनी सी बात है अब आप पूछेंगे सर ये कैसे करता है ये हार्मोन कैसे रक्त में कैल्शियम डालता है तो मेरे भाई आप दूध पीते हैं हा सर पीते हैं कुछ अंडा खाते हैं कुछ मछली या ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें कैल्शियम होता है बिल्कुल होता है होता है ना तो जरा सोच तुमने भोजन खाया उस भोजन में से कैल्शियम का अवशोषण करा के रक्त में डाल दिया पहला तरीका है पहला तरीका देख ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब ये पैराथायर हार्मोन क्या करता है कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है ये हमने देख लिया यही पढ़ा ना पैराथ हॉर्मोन क्या कर रहा है कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रहा है यही तो लिखा है मैंने कैसे बढ़ा रहा है ये क्या करता है अस्थियों पर अब देख ये एक अस्थि है जिस पर कैल्शियम डाला गया ध्यान से सुनना समझ में नहीं आता कैल्शियम डाला गया किसने डाला सर कैल्सिटोनिन ने डाल दिया ठीक है अस्थियां स्ट्रांग हो रही है लेकिन अगर कैल्सिटोनिन ने ज्यादा कैल्शियम डाल दिया जितनी ज्यादा जरूरत ही नहीं ज्यादा कैल्शियम अगर डाल दिया ज्यादा तो क्या होगा हमें यहां से कैल्शियम को निकालना पड़ेगा निकालना नहीं पड़ेगा निकालना पड़ेगा तो कौन निकालेगा सर यहां से एक्स्ट्रा कैल्शियम जो भरा पड़ा है उसको तोड़ा जाएगा हड्डियों से निकाला जाएगा और वो कार्य कौन करेगा? अस्थियों पर करके, विखंडन करेगा, और उससे कहीं ना कहीं कैल्शियम निकाल लेगा देखिए क्या, 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 क्या देख अगर ज्यादा डाल दिया तो पीटीएच क्या करेगा

कैल्शियम निकाल कर अब वो कैल्शियम आ जाएगा रक्त में आ गया हो लिया हो गया बराबर हाँ सर हो गया और क्या करेंगे और क्या करेंगे व्रक जो होती है याद करो व्रक नलिकाओं से आपको याद आ रहा है समीपस्थ संवलित नलिका याद आ रही है हमने पुनः अवशोषण किया था सोचे समीपस्थ संवलित नलिका से हमने क्या कर लिया कैल्शियम का पुनः अवशोषण कर लिया दूसरे तरीके से निकाला और जो हम भोजन खाएंगे उस पाचित भोजन में से भी कैल्शियम का क्या कर लेगा अब शोषण कर लेगा कौन आपका कैल्शियम रक्तता हार्मोन बोलेंगे हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन बोलेंगे हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोलेंगे क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है और साथ साथ बेटा पीसीटी पीसीटी कौन थायरो अभी अभी बताया था थायराइड ग्रंथि से निकला था तो थायरो या सिंपल कैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है ये हम आपको बता चुके हैं इसी के साथ हमारा ये पैरा थायराइड ग्रंथि भी समाप्त हुई है आज हम इतना ही पढ़ेंगे जितनी हमने ग्रंथियां पढ़ी हैं इनको ढंग से पढ़िएगा आराम से पढ़िएगा एक एक बिंदु आपको समझा दिया है गौर से समझिएगा अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ पश्चे पीयूष द्वारा हार्मोन इनमें से कौन सा है पश्चे पीयूष ग्रंथि से इनमें से कौन सा हार्मोन निकला था पहला ऑक्सीटोसिन दूसरा वृद्धि हार्मोन, तीसरा पुट्टिका प्रेरक हार्मोन चौथा प्रोलेक्टिन इनमें से कौन सा हार्मोन था जो पश्चे पियूष से निकला था कर लिया दूसरा प्रश्न पिनियल ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा था पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला था वृद्धि पुट्टी का प्रेरक मेलाटोनिन थायरोक्सिन कौन सा हार्मोन पिनियल ग्रंथि से निकला था चलिए हुआ समाप्त आइए देखते हैं बेटा यहां पर दो ही प्रश्न थे पहला पश्चिम पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन कौन सा था देख वृद्धि प्रेरक ये तो सारे के सारे अग्र मस, अग्र मस्तिष्क पीयूष से निकले थे पश्चिम पीयूष से ये निकला था ऑक्सीटोसिन या सॉरी ऑक्सीटोसिन और एडीएच यान तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी आपका इज़ ऑक्सीटोसिन, दूसरा पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला था भाई साहब कौन सा मेलाटोनिन, जो दैनिक लय को बनाए रख रहा था तापमान का भी नियंत्रण कर रहा था याद करो सोने उठने की क्रिया को नियंत्रित कर रहा था स्त्रियों में मासिक चक्र को भी नियंत्रित कर रहा था कौन सा मेला टोन पांच अंतस्त्री ग्रंथियां पढ़ चुके थे हम जिसमें से हमने हाइपोथैलेमस देख लिया था हमने पीयूष ग्रंथि देख ली थी कौन कौन सी हाइपोथैलेमस देख लिया था पीयूष ग्रंथि देख ली थी पिनियल ग्रंथि देख ली थी थायराइड ग्रंथि देख ली थी पैराथायरॉयड ग्रंथि देख ली थी ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पांच कौन कौन सा फिर से देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पर हाइपोथैलेमस निकाओ हाइपोथैलेमस पीयूष ठीक है उसके बाद पिनियल फिर थायराइड और पैराथाइरयड ये पांच ग्रंथियां हम पढ़ चुके हैं अब इसके अलावा जो बच गई हैं ग्रंथियां अंत्यस्त्रावी ग्रंथियां वो हम पढ़ने वाले हैं आइए स्टार्ट करते हैं अगली जो ग्रंथी है उसका नाम है थाइमस ग्रंथी अगली जो ग्रंथी है उसको हम क्या बोलते हैं थाइमस सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी थाइमस हिंदी में भी थाइमस ठीक है कहां पर होती है बेटा ये देखिए ये हमारा हृदय होता है ठीक है इस हृदय के ऊपर हृदय के ऊपर होती है कौन आपकी थाइमस

ये जो थाइमस ग्रंथि है इस थाइमस ग्रंथि में एक हार्मोन बन रहा है क्या बोला हमने इस थाइमस ग्रंथि में एक हार्मोन बन रहा है जिसका नाम है थाइमोसिन थाइमोसिन, कौन है हार्मोन है भाई आप अंत्यश्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली किसकी बात करोगे हार्मोन की बस थाइमस ग्रंथि में कौन सा हार्मोन है थाइमोसिन है ओके सर अब ये थाइमोसिन करता क्या है ये भी तो बात आ रही है तो इसके कई सारे कार्य हैं जिसमें से सबसे पहला आपने जो याद रखना है वो ये आप मुझे बताइएगा आपने से कितने बच्चों को याद है चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था मानव स्वास्थ्य और रोग याद आ रहा है याद करिए वहां पर प्रतिरक्षा तंत्र पड़ा था हां सर प्रतिरक्षा तंत्र पड़ा था प्रतिरक्षा तंत्र में कहीं ना कहीं आपने लसिकाणु की बात करी थी यस सर करी थी कितने प्रकार की लिंफोसाइट होती है सर दो प्रकार की होती है एक बी और एक टी टी साहब याद करिए बी और टीलिम्फोसाइट बनी कहां थी ये याद करिए सर दोनों की दोनों अस्थि मज्जा में बनी थी याद कर बताया दोनों की दोनों बी बिलिम्फोसाइट भी अस्थि मज्जा में टी टीलिंफोसाइट भी अस्थि मज्जा में यानी दोनों की दोनों बोन मैरो में बनी थी लेकिन लेकिन बी लिंफोसाइट वहीं पर ही क्या हुई थी परिपक्व हुई थी इसलिए क्या बोला था बी लिंफोसाइट जबकि टी लिंफोसाइट कहां परिपक्व हुई थी कहां उसका विभेदीकरण हुआ था कहां मैचुरेशन हुआ था तो याद करिए कौन सी ग्लैंड में थाइमस, तो थाइमस ग्रंथि में टी लिंफोसाइट टी लसिकाणु का विभेदीकरण मेच्युरेशन परिपक्वन जो हो रहा है वो करवाने में कौन सहायता कर रहा है थाइमोसिन तो याद रखना ये टी लिंफोसाइट टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन में परिपक्वन का मतलब मैचुरेशन में यानी विभेदीकरण में क्या करता है सहायता करता है टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन कराता है टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन कराता है मैच्यन कराता है बोलिए इतनी सी बात समझ में आई कोई तकलीफ तो नहीं है चले अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं हर अंग का एक निश्चित जीवन काल होता है याद रखना हर अंग जो है अपनी क्रियाविधि को एक निश्चित समय तक ढंग से कार्य करता है फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी क्रियाविधि धीरे धीरे कम हो जाती है तो हम जब हमारी एज बढ़ती है हमारी आयु बढ़ती है तो ये थाइमस ग्लैंड जो है ये धीरे धीरे विघटन करती है कब वृद्धावस्था में जब वृद्ध अवस्था आती है ध्यान से सुनिएगा आराम से जब वृद्ध अवस्था आती है तो धीरे धीरे इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है विघटन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे ये कमजोर होने लगती है धीरे धीरे इसके अंदर थाइमोसिन का निर्माण क्या होने लगता है कम होने लगता है बांगड़ू जरा सोचो दिमाग लगाओ मेरी थाइमस ग्लैंड जब मैं वृद्ध अवस्था में आऊंगा अभी आया नहीं हूं बाल उड़े हैं <laughs> वृद्ध अवस्था नहीं आई है सो आप बोलेंगे सर वृद्ध अवस्था कैसे नहीं है ये बाल तोड़ गए हैं चलो ठीक है मान लिया मेरे अंदर वृद्ध अवस्था आ रही है ओके चलो मान लेते हैं मेरे अंदर क्या आ रही है वृद्ध अवस्था आ रही है मेरी जो थाइमस ग्रंथि है धीरे 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 कमजोर हो रही है तो मेरी थाइमस ग्लैंड जो धीरे धीरे क्या कर रही है विघटन हो रहा है जिसमें अपघटन हो रहा है कमजोर हो रही है उसके अंदर थाइमोसिन का निर्माण कम होएगा थाइमोसिन का निर्माण अगर कम होएगा तो टी लिंफोसाइट कम बनेंगे अब जरा सोच टी लिंफोसाइट किस चीज में सहायता करती थी लिंफोसाइट, लिंफोसाइट परिपक्वन हाँ, कर, कम होगा तो, हो हो तो बी लिंफोसाइट से प्रतिरक्षा प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी कम बनेगी तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर नहीं हो जाएगा बिल्कुल होएगा तो इसके विघटन से वृद्ध अवस्था में क्या होता है प्रति रक्षा तंत्र क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है बीमारियां घेरने लग जाती हैं किसको शरीर को भाई यही बात यहां पर लिखी हुई है कि इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ने लग जाती है याद रखना है भूलना नहीं है बस इतनी सी बात थी दोस्त किसमें थाइमस ग्लैंड में तो थाइमस ग्लैंड लोकेशन मैंने आपको बता दिया लोकेशन कहां पर है इसकी हृदय के ऊपर है महाधमनी के ऊपर है यहां पर ठीक है थाइमस ग्लैंड में एक हार्मोन बन रहा है जिस हार्मोन का नाम आपने याद रखना है थाइमोसिन ओके ये थाइमोसिन मात्र एक व्यस्त तो और भी कार्य हैं लेकिन मेजर कार्य मेजर कार्य जो मेन फंक्शन जो है यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा मेन फंक्शन जो है क्या करना लिम्फोसाइट्स को परिपक्वित करना जो अस्थि मज्जा से लिंफोसाइट आएंगे उनको टी टीलिमसाइट में बदलना और टी का परिपक्वन करना यह कार्य होता है किसका था वृद्ध अवस्था में विघटन होने लग जाती है खत्म होने लग जाती है जब खत्म तो परिपक्वन कम तो टी टीलिफोसाइट नहीं बनेंगी तो बी बिलिम्फोसाइट कही कहीं ना कहीं प्रतिरक्षी नहीं बनाएंगे प्रतिरक्षी नहीं बनाएंगी तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा तो वृद्ध अवस्था में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लग जाता है उसका एक कारण ये है याद रखना भूलना चाहिएगा ये थी बेटा जी हमारी छठी सिक्स अंतस्त्रावी ग्रंथी आइए अब सातवीं पर आते हैं नेक्स्ट जो है वो है अधिव्रक ग्रंथी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्रंथी बोला जाता है लोकेशन आपको दिखाई दे रही है डायग्राम से भी कहां पर होती है ये जो हमारी किडनी जो होती है किडनी इस किडनी के ऊपर इस तरीके से की पाकार की संरचना होती है जिसको हमने क्या बोला है अधिव्रक ग्रंथि अधिव्रक का मतलब क्या है व्रक के ऊपर जो ग्रंथि मिल रही है उसका नाम है अधिव्रक ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड ओके सर डंडना डंडन अब इस अधिव्रक ग्रंथि को जब हमने अंदर से खोला तो ऐसी दिखी हमें अब इसमें समझ में नहीं आता तो प्रॉपर मैं आपको बताता हूं देखो ऐसी होती है ये हमारी एड्रीनल है टोटल कितनी होंगी दो एक इस किडनी के ऊपर एक इस किडनी के ऊपर एक जोड़ी हमारे अंदर क्या है अधिवरक ग्रंथि है ओके डन डना डर देखिएगा ये जो अधिवृक ग्रंथि है इसके दो भाग हैं एक बाहर वाला ये वाला जिसको हम क्या बोलते हैं वलकुट और अंदर वाला जिसको हम क्या बोलते हैं मध्यांश जो मेरे ख्याल से आपको यहां पर दिखाई भी दे रहा है ये बड़ा सारा जो है पोर्शन जो है ये क्या है पूरा का पूरा मध्यांश है और ये किनारे वाला जो पोर्शन जो है ये पीला पीला सा ये क्या है सर ये वलकुट है सर आपने तो छोटा सा दिखाया है कोई चीज समझानी है इसी वजह से है ना सो ये बीच वाला पोर्शन जो है ये है मध्यांश और बाहर वाला कौन है वलकुट ओके okay, सर सिंपल सर सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वलकुट को बोलते हैं कॉर्टेक्स मध्यांश को बोलते हैं मेड्यूला ठीक है वलकुट को क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स मध्यांश को क्या बोलते हैं मेडुला डन ओके अब ये जो वलकुट जो है ना मेरे दोस्त ये वलकुट तीन भागों में बट जाता है दिखाई दे रहा है आपको टोटल कितने भागों में बट गया है? तीन भागों में बट गया कौन सा वलकुट ये जो वलकुट जो है ये तीन भागों में बट गया है अब कौन-कौन से तीन भाग है सबसे पहला बाहर वाला देखो डॉट 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 जिसको मैंने करा है सेकेंड ये डैश 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 ठीक है और थर्ड वाला जिसको मैंने कुछ भी नहीं किया खाली छोड़ दिया ठीक है सो ये वाला भाग सबसे बाहर वाला भाग किसका वलकुट का कहलाता है याद रखना जोना ग्लोमेरुलोसा सर ये तो आपने अंग्रेजी में लिख दिया मेरे दोस्त हिंदी में भी यही बोलते हैं क्या जोना ग्लोमेरुलोसा ही बोलते हैं विश्वास नहीं हो रहा तो ये देख जोना ग्लोमेरुलोसा ठीक ओके सर सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा फिर ये वाला डैश डैश डैश, डैश वाला जोना फेसिक्यूलेटा जोना फेसिक्यूलेटा सर ये भी अंग्रेजी में लिख दिया ये देख मेरे दोस्त जोना फेसिक्यूलेटा मध्य फेसिक्यूलेटा मध्य परत सबसे अंदर सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा देखो लिखा हुआ ना बाहरी परत जोना ग्लोमेरुलोसा मध्य जोना फेसिकुलेटा और सबसे अंदर वाला ये वाला जोना रेटिकुलेरिस तो कुल मिलाकर मेरे भाई तीन भाग होते हैं किसके आपके वलकुट के ये जो वलकुट जो है ये तीन जोना में जोना जोना शोना शोना ठीक है याद रखना याद हो जाएगा है ना तो जोना में तीन जोना में बटा होता है यानी वलकुट की तीन जोना है कितनी ये जो वलकुट जो है इसकी तीन जोना है कौन कौन सी जोना है सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा फिर जोना फेसिकुलेटा फिर सबसे अंदर जोना रेटिकुलरिस ठीक है और सबसे अंदर कौन है सर ये मध्याश ठीक है अब हर भाग से निकलने वाले हैं हार्मोन हर भाग से यानी वलकुट के इन तीनों भाग से ये जो वलकुट के ये तीन भाग है प्रत्येक भाग से हार्मोन निकलेंगे और जो मध्यांश है इससे भी हार्मोन निकलेंगे यानी चार क्षेत्र से हार्मोन निकलेंगे कौन कौन से जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलेंगे जोना जो रेटिकुलरिस से निकलेंगे और मध्यांश से निकलेंगे अब कौन कौन से हॉर्मोन निकलेंगे मेन तो यही है ना आइए पढ़ते हैं अब हमारी बुक में कई सारी चीजें दे रखी है ये अभी मैं आपको बताऊंगा आइए एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले वलकुट के हार्मोन देखते सबसे पहले वलकुट का सबसे पहला भाग कौन है जोना ग्लोमेरुलोसा ठीक है सबसे भारी भाग है ये आपको समझ में आ गया सबसे भारी परत थी ये वाली सबसे भारी ये डॉट 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 जिसको हमने किया था ठीक है सो जोना ग्लोमेरुलोसा से इधर देखिएगा जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलने वाले हॉर्मोन अब मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से सुनना देखिए यहां पर जो हार्मोन निकलने वाले हैं उनकी प्रकृति है क्या वो कॉल्टिकोइड प्रकृति के हैं क्या सर समझ नहीं आया मैंने कहा ध्यान से सुन मैंने बोला यहां से वलकुट क्षेत्र से कहां से इस वलकुट क्षेत्र से जो हार्मोन निकलेंगे उनकी एक प्रकृति है जैसे होता है ना हर रसायन की कोई प्रकृति होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट प्रकृति का है प्रोटीन प्रकृति का है लिपिड प्रकृति का है कैसी प्रकृति का है तो याद रखना ये जो हार्मोन जो होंगे स्टेरॉइड यानी एक प्रकार के वसा या लिपिड प्रकृति के लिपिड पढ़ चुके आप जय में लिपिड है ना सो so याद रखना यहां पर जो हॉर्मोन जो निकलेंगे वो हॉर्मोन कहलाते हैं टिकॉइड का मतलब वसा प्रकृति के फैट फैट होती है ना फैट वैसी प्रकृति के ठीक है अब जो ना ग्लोमेरुलोसा से जो हॉर्मोन्स का समूह निकलता है उसे हम बोलते हैं बेटा याद रखना क्या मिनरेलो कॉर्टिकॉइड कौर्ट। क्या बोलते हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड सर ये टिकॉइड का मतलब क्या होता है देखिए कॉर्टिकॉइड का मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया जिनकी प्रकृति कैसी होगी लिपिड यानी कैसे होंगे वो वसा होंगे एक प्रकार की वो वसा होंगे। सर मिनरेलो वर्ड कहां से आया है तो बेटा मिनरेलो वर्ड का मतलब होता है खनिज मिनरल्स मिनरल्स मतलब खनिज तो ऐसे हॉर्मोन जो हमारे शरीर में खनिजों के उपापचय से संबंधित क्या बोला मैंने बोला ऐसे हार्मोन जिनकी प्रकृति कैसी होगी सर वो लिपिड प्रकृति के होंगे जो मिनरल्स के उपापचय से संबंधित मैंने कहा ठीक है अभी तर देखिएगा जोना ग्लोमेरलोस सबसे बाहर वाला भाग है और इससे जो हार्मोन निकल रहे हैं उन हॉर्मोन्स का समूह है ये याद रखना ये हॉर्मोन का समूह है किसका समूह है बेटा हॉर्मोन्स का अब हॉर्मोन्स का समूह जो है वो क्या कह रहा है मिनरेलो कॉर्टिकोड अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं देख से, 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 देख आराम से 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 शांति ध्यान सुन मैंने बोला मैं हूं जोना ग्लोमेरुलोसा ठीक है हमेशा हर एग्जाम्पल को अपने ऊपर लिया करो कसम से झका समझ में आएगा मैंने बोला मैं हूं जोना ग्लोमेरुलोसा ओके सर और मेरे से कई हॉर्मोन निकल रहे हैं ध्यान से सुनना मेरी बात को मैंने बोला मैं हूं कौन जोना ग्लोमेरुलोसा मेरे मुझसे कई सारे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं यानी हॉर्मोन्स का समूह निकल रहा है हाँ सर उस हॉर्मोन्स के समूह का नाम है क्या मिनरेलो कॉर्टिकॉइड मिनरेलो कॉर्टिकॉइड एक हार्मोन नहीं है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन का समूह जो होता है उसका नाम है ऐसे हार्मोन जिनकी प्रकृति कैसी है कॉर्टिकॉइड यानी जो लिपिड प्रकृति के हैं वसा प्रकृति के हैं और जो मिनरल्स के खनिजों के उपापचय से संबंधित होंगे सर कोई एक हार्मोन तो बता दो मिनरेलो कोर्टिकॉयड तो एक हॉर्मोन के समूह का नाम है कोई एक हार्मोन तो बता दो सो so, बेटा जी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का जो मेन हार्मोन है मुख्य हार्मोन जो है मेन हार्मोन जो है जो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है ध्यान से सुनना वो कौन सा है आपको याद आ रहा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र चैप्टर में आपने पढ़ा था एल्डो याद करिए कितने बच्चों को याद आ रहा है एल्डोस्टेरॉन क्या था दिमाग लगा एल्डोस्टेरोन क्या था याद कर एक रास सिस्टम बताया था रास एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन याद कर कर क्या रहा था सर जी रास्त संवलित नलिका से सोडियम आयन का पुनः अवशोषण कर रहा था सोडियम आयन क्या है मेरे दोस्त खनिज नहीं है तो याद करिए एल्डोस्टेरोन एक मेन मुख्य मिनरेलो है मिनरेलो का मतलब फिर बोल रहा हूं फिर से सुनना मिनरल्स यानी खनिज खनिजों के उपापचय से संबंधित कौन हार्मोन? जिनकी प्रकृति क्या है लिपिड की यानी सोचो मैं एक हार्मोन हूं या ये एक हार्मोन है ये किस प्रकृति का है सर शरीय लिपिड प्रकृति का यानी वसा यानी फैट प्रकृति का स्टेरॉइड प्रकृति का है स्टेरॉइड क्या होता है एक प्रकार की वसा होती है ठीक है ये वसा प्रकृति का है और ये मिनरल्स के उपापचे से संबंधित है खनिजों के उपापचे से संबंधित है जैसे मेन हॉर्मोन जो था मिनरलो कोर्टिकॉइड वो कौन था एल्डोस्टेरॉन था यह था सबसे पहला कौन जोना ग्लोमेरुलोसा इसका काम मैंने आपको बता दिया क्या कर रहा है जोना जोनालोस से निकलने वाले मिनरलो कोटिकॉइड का मुख्य हॉर्मोन एल्डोटेरोन क्या कार्य कर है था खनिजों के उपापचय से संबंधित जैसे सोडियम आयन का पुनः अवशोषण करा रहा था याद कर सोडियम आयन का क्या करा रहा था पुनः अवशोषण पुनरावशोषण कहा बताया था कहां से डीसीटी से किसकी डीसीटी से वक्राणु की डीसीटी से चलिए था पहला भाग कौन सा जोना ठीक है दिक्कत देखिए कहीं ना कहीं यहां पर आपका जोना ग्लोमेरुलोसा से आ, हाँ जी एल्डोस्टेर लो जी एल्डोस्टेर ठीक है जी कोई दिक्कत तो नहीं है कंफ्यूजन तो नहीं है हाँ जी ये देखिए सोडियम आयन का क्या करा रहा है पुनः अवशोषण डन क्लियर चल ये तो हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा अब बात करते किसकी जोना फेसिकुलेटा ध्यान से सुनिए हमारी ना एनसीआरटी में प्रॉपर बता नहीं रखा है कि ये कहां से निकल रहे हैं बस ये बता दिया ये तीन भाग है और तीन प्रकार के हार्मोन निकलने वाले हैं यहां पर जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा निकल रहा है ये नहीं बता रखा है मैंने आपको प्रॉपरली बताया जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन निकल रहे हैं ये वाला ये वाला जो क्षेत्र जो है ये वाला ये वाला जो है यहां से कौन से निकल रहे हैं दोस्त यहां से मिनरेलो कॉर्टिकॉइड निकल रहे हैं याद रखना यहां से क्या निकल रहे हैं मिनरेलो कॉर्टिकॉइड निकल रहे हैं भूलिएगा मत अब बारी आ रही है किसकी बीच वाले की किसकी सर इसकी ये वाला कौन है ये सर ये है हमारा जोना फेसिकुलेटा तो सर जोना फेसिकुलेटा ये जो नीला नीला सा जो हमने कर दिया है जोना फेसिकुलेटा बेहतर है अलग रंग से हमने कर दिया है ना So, जोना फेसिकुलेटा जो है ये बीच वाला जो है मध्य परत जो है इससे क्या निकल रहा है आइए पढ़ते हैं बेटा जी यहां से जोना फेसिकुलेटा से वही सेम टू सेम समूह निकलेगा से निकल ग्लूको कॉर्टिकॉइड -कौर्ट। याद रखना है कौन ग्लूको कॉर्टिकॉइड यह देख यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या ग्लूको कॉटिकॉइड -कौर्ट। डन कोई कंफ्यूजन तो नहीं है चले आगे आगे पढ़ते हैं बेटा जी यहां पर अब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये कर क्या रहा है पहले तो ध्यान से सुनना देखिए कॉर्टिकॉइड का मीनिंग मुझे बताने की वापस से जरूरत नहीं आपको मैंने समझा दिया का मतलब वो जिनकी प्रकृति कैसी होगी वसा प्रकृति की स्टेरॉइड प्रकृति की एक प्रकार के लिपिड होंगे ठीक है हो ग्लूकोवर्ड कहां से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है सर ग्लूकोज ग्लूकोज सर कार्बोहाइड्रेट यानी ऐसे हॉर्मोन जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित है क्या बोला हमने ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित है उसको हम क्या बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ठीक है सर समझ में आ गया अब जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि मिनरलोकोर्टिकॉइड क्या थे जो खनिजों के उपापचय से संबंधित हो खनिजों के जैसे एल्डोस्टेरॉन एक मेन हार्मोन था मिनरेलो देख दोस्त मिनरेलो कोर्टिकॉइड एक हार्मोनियम मैं बार बार बोलूंगा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के समूह का नाम है ऐसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन नहीं है ग्लूकोकॉर्टिकॉयड हार्मोन्स के समूह का नाम है जिसमें से मेन हार्मोन जो है मेन हार्मोन जो है वो कौन सा है याद रखना कॉर्टिसोल याद रखना मेन हार्मोन जो है उसका नाम है क्या कॉर्टिस अब कॉर्टिसोल के बहुत सारे कार्य हैं ध्यान से सुनना जैसे सबसे पहला कार्य बेटा ये क्या करता है हमारे शरीर में जो ग्लूकोज जो होती है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है ये देख, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ क्या ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है ग्लाइकोजन संश्लेषण करता है ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है क्या बोला मैंने ग्लाइकोजन का निर्माण करता है अब इधर देखना ध्यान से देखना मैंने बोला ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है किसको भाई मैंने खाना खाया खाने में क्या खाई रोटी खाई रोटी में क्या थी स्टार्च थी जिसको हम मंड बोलते हैं स्टार्च मेरे अंदर पाचन होकर टूटी किसमें टूटी ग्लूकोज में मेरे अंदर बहुत सारे ग्लूकोज बने उसमें से कुछ ग्लूकोज जो है वो बदल दिए गए किसमें ग्लाइकोजन में बोलिए तो ग्लाइकोजन का संश्लेषण कराया या नहीं कराया बिल्कुल कराया अब क्या होगा ध्यान से सुनना। ग्लाइकोजन का क्या करा दिया है संश्लेषण करा दिया है याद रखना भूलना जाइएगा तो ग्लाइकोजन के संश्लेषण में ग्लाइकोजन संश्लेषण में सहायता करता है कौन बेटा आपका कॉर्टी ये देखिए यहां पर लिखा ग्लाइकोजन संश्लेषण सर ये क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूको नियोजेनेसिस सर जी ये क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है ये समझाता हूं आपको देखिए ये तो समझ में आ गया ग्लाइकोजन का संश्लेषण करा दिया सर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है देखिए अंग्रेजी का वर्ड है जेनेसिस जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण नियो का मतलब होता है नया नियोमीन्स नया और जेनेसिस मतलब निर्माण और ग्लूको मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज का नया निर्माण मतलब सर समझ नहीं आया सर ग्लूकोज का नया निर्माण मैंने कहा देख ध्यान से सुन मुझे बहुत सीधे तरीके से बताना बहुत सिंपल तरीके से मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं ध्यान से सुनना देख ग्लूकोज है एक कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन भी कौन है कार्बोहाइड्रेट क्या बोला मैंने ग्लूकोज भी कौन है कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन भी कौन है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दू या ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बना दू यानी कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट में या कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट में तो कोई नई चीज हुई क्या नहीं सर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में बदल रहा है कुछ नया थोड़ी ना हुआ है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में बदल रहा है है ना नया तो तब होगा नया तो तब होगा जब ध्यान से सुनना नया तो तब होगा जब हम क्या करेंगे सर जब हम लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना दे, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना दे नया तो तब होगा अब इमेजिन करो लैक्टिक एसिड क्या होता है सर ये कार्बनिक अम्ल होता है और ये एक कार्बोहाइड्रेट है अब जरा सोच एक नए तरीके से एक नए तरीके से हमारे शरीर ने ग्लूकोज का निर्माण किया एक नई प्रक्रिया से एक नए तरीके से हमारे शरीर ने निर्माण किया किसका ग्लूकोज का इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस और साहब ये कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था कॉर्टिस तो कॉर्टिस क्या करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है याद रखना एक और कार्य बेटा ये आरबीसी का निर्माण भी करवाता है कौन आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करता है याद रखना कौन ये कोर्टिसोल कहीं लिखा हुआ है देखिए कोर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को भी प्रेरित करता है भूलना जाइएगा याद रखना भूलना जाइएगा बेटा So, मैंने आपको क्या क्या बताया और इसके अलावा और भी होती है व्रक की क्रियाओं को नियंत्रित करता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाओं को नियंत्रित करता है तो मेजर मेजर कार्य जो है मैंने आपको बताए हैं किसके के याद रखना भूलना जाइएगा जोना फेसिकुलिटा से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी ग्लूको यानी कार्बोहाइड्रेट के उपापचे से संबंधित हॉर्मोन का समूह जिसका मेन हॉर्मोन है कॉर्टिसोल क्या कर रहा है ग्लाइकोजन का निर्माण करा रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है आरबीसी का निर्माण करा रहा है व्रक की क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है कौन कॉर्टिस तो ये हो गए बच्चों हमारे यहां पर दो भाग जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फेसिकुलेटा अब बच रहा है कौन जोना रेटिकुलरिस मेरे दोस्त जोना रेटिकुलरिस के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है बी नंबर ही दिया था ना हाँ ठीक है सी जोना रेटिक्यूलिस के बारे में ज्यादा कुछ हमारी एनसीआरटी बताती नहीं है मैं हल्की सी बात बताता हूं यहां से जो हार्मोन का समूह अगेन हार्मोन का समूह है बेटा हार्मोन का तो समूह निकलेगा अब जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन का समूह निकला था मिनरलोकॉर्टिकॉइड जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन का समूह निकला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और यहां से जो हार्मोन का समूह निकलेगा अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड लिंगिकॉर्टिकॉइड ठीक है तो याद रखना लिंगी लिंगिकॉर्टिकॉइड सेक्स कॉर्टिकॉइड का मतलब ऐसे हार्मोन जो हमारे अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं जैसे मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में ले जा रहा हूं पर्टिकुलरली नर में जो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन जो हमारे अंदर मेरे अंदर मेरे अंदर मेरे अंदर व्रक के ऊपर जो अधिव्रक ग्रंथि है अधिव्रक देख हमेशा चीजों को बड़े स्तर पर सोचो मेरे अंदर यानी मैं नर मेरी कौन व्रक यानी किडनी किडनी के ऊपर कौन एड्रिनल यानी अधिव्रक अधिव्रक का वलकुट वलकुट का अंदर वाला तीसरा भाग कौन सा जोना रेटिकुलर इससे क्या निकल रहा है सेक्स कॉर्टिकॉइड यानी ऐसे कॉर्टिकॉइड जो लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करेंगे जैसे नर में जो निकलता है उसका नाम है डी एच ई एड्रोक्सी एपी एंडोस्टेरॉन नहीं लिखा हुआ हमारी एनसीआरटी में बस हल्की सी चीज बता रहा हूं मेरे अंदर दाढ़ी है हाँ है। नरो में ही होती है ना दाढ़ी ये दाढ़ी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है टेस्टोस्टेरॉन जो वृषण से निकलता है लेकिन दाढ़ी का किस तरीके का अरेंजमेंट होएगा रख रखाव जो होएगा कितनी आएगी किस तरीके से आएगी टेढ़ी आएगी मेढ़ी आएगी सीधी आएगी उल्टी आएगी गहरे बाल होंगे घने होंगे वो जो रख रखाव जो हो रहा है ना दाढ़ी का मूछो का वो निर्धारित करता है कौन ये डी एच ई ए तो याद रखना भूलना जाना सर मादाओं में कौन सा निकलता है बेटा मादा में याद रखना यहां से निकलता है एस्ट्रोजन सर एस्ट्रोजन तो सर वहां से निकलता है अंडाशय से मैंने कहा यहां से भी निकलता है तो मादाओं में यहां से एस्ट्रोजन निकलता और नर में डाइहाइड्रोक्सेंडोस्टेरता है जो जोना रेटिकुलरिस से निकल रहे हैं जो कुछ लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं भूलना जाइएगा याद रखिएगा ये खत्म हुआ है मेरे दोस्त क्या सरवलकुट अब क्या बच गया सर मध्यांश अब मेरे पास मध्यांश मध्यांश जो है कौन सा आ, 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 ये मध्या देख मेरे दोस्त मध्यांश से आपको केवल दो हार्मोन याद रखने हैं कौन कौन से मध्यांश से याद रखने आपको एड्रेनलिन एड्रेनलिन का दूसरा नाम याद रखना एपिनेफ्रिन और का दूसरा नाम नॉर सर चार हो गए चार नहीं हुए हैं दो लेकिन प्रत्येक के दो नाम है एड्रेनलिन जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनलिन जिसका दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन डन अब सर ये दोनों हार्मोन करते क्या है ऑलमोस्ट सेम कार्य होता ऑलमोस्ट सेम कार्य होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है हमने मेजर तरीके से मैंने जब देखा तो हमें पता लगा कि मेजरली दोनों का ऑलमोस्ट सेम कार्य क्या करते हैं सर ये याद करिएगा मैंने आपको परिसंचरण तत्व परिसंचरण तंत्र जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि हमारे हृदय की गतिविधियों का नियमन एक टॉपिक आया था हमारी हृदय की गतिविधियां जो होती है हृदय की धड़कन को बढ़ाने का कम करने का काम याद आ रहा है याद कर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सामने अगर सांप आ गया तो तुम क्या करोगे सर भागोगे है ना भागोगे ना हाँ जी डर की परिस्थिति हो जाएगी हाँ सर तो जब भागोगे तो भागने के लिए क्या चाहिए हृदय की धड़कनों को तेज करना पड़ेगा क्योंकि श्वसन की क्रिया विधि को तेज करना पड़ेगा तो उस टाइम पे एक हार्मोन निकलता है कौन सा एड्रिनालिन देख लो तो तीन कंडीशन याद रखना फियर फियर यानी डर फाइट यानी लड़ाई और फ्लाइट यानी जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो तीन कंडीशन फियर फाइट फ्लाइट यानी ये तीन कंडीशन कौन सी होती है आपातकालीन कंडीशन होती हैं कौन सी होती हैं आपातकालीन कंडीशन होती है जरा सोच लड़ने बैठ गए हो तुम होता है ना कई बार लड़ाई हो जाती है कैसी परिस्थिति है रोज की रोज लड़ते हो क्या नहीं सर ये तो खतरनाक परिस्थिति है लगभग जो है तो आपातकालीन परिस्थिति है युद्ध हार्मोन बोलते हैं इनको वही फाइट हो गया ना युद्ध का मतलब फाइट आपातकालीन का मतलब क्या हो गया फियर फियर मतलब फियर मतलब डर तो फियर यानी डर यानी आपातकालीन युद्ध यानी फाइट यानी लड़ाई और फ्लाइट मैंने आपको बता दिया जब आप टेक ऑफ करते हैं प्लेन में तो ये तीन ऐसी कंडीशन है जिनमें ये हार्मोन निकलते हैं इसीलिए इनको हम आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं याद रखना इनको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं थ्री एफ हार्मोन ध्यान से सुनना थ्री एफ हार्मोन बोला जाता है इनको क्यों बोला जाता है क्योंकि थ्री एफ में फियर आता है फाइट आता है फ्लाइट आता है फियर फाइट फ्लाइट तीन एफ बोला जाता है बेटा जी याद इन हॉर्मोन्स के कारण क्या हो जाता है बेटा हमारी आ, हमारी जो हार्मोन की सक्रियता के कारण क्या होती है हमारी आंखों की पुतलियां जो है वो फैलती हैं रोंगटे जरा सोचिए जब डर लगता है तो रोंगटे खड़े होते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं पसीना निकलने लग जाता है हृदय की धड़कन जो है वो तेज होने लग जाती है हृदय की धड़कन तेज और श्वसन जो है वो बढ़ जाता है बोल आया समझ में तो ये सिंपल सी बात थी सिंपल तरीके से याद रखनी थी खत्म सो ये थे हमारे कौन मध्यांश से यहां से यहां से निकलने वाले हॉर्मोन एड्रिनलिनलिन क्या क्या कार्य करेंगे आंखों की पुतलियां बड़े कर देंगे हृदय की धड़कन को बढ़ा देंगे श्वसन दर को तेज कर देंगे है ना पसीना आएगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे फियर यानी आपातकालीन डर की परिस्थिति ठीक है फाइट यानी युद्ध की परिस्थिति और फ्लाइट यानी जब आप एरोप्लेन में उड़ते हैं उस टाइम ये हार्मोन निकलते हैं जो हमारे शरीर को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने की कोशिश करते हैं इसी के साथ हमने खत्म करी है क्या अधिव्रक ग्रंथी ये सारी चीजें याद रखनी है भूलनी नहीं है चले अब नेक्स्ट ग्रंथी जो आने वाली है वो है बेटा जी अग्नाशय ग्रंथी अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि है कैसी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का मतलब जिसका कुछ भाग अंत्यस्त्रावी भी है और कुछ भाग बाह्य स्त्रावी भी है याद रखना यानी इसका कुछ भाग अंत भी है अंत्यस्त्रावी का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बता दिया था पिछले लेक्चर में और इसका कुछ भाग बाह्य स्त्रावी भी है याद रखना केवल एक से दो प्रतिशत भाग इसका क्या होता है अंत्यस्त्रावी बाकी 98 टू 99 परसेंट भाग क्या होता है भाई स्त्रावी होता है यानी ये अगर मेरी अग्नाशय ग्रंथि है तो इसके बीच का केवल वन परसेंट पोर्शन वन टू टू परसेंट पोर्शन कैसा होता है अंत्यस्त्रावी जो हार्मोन बनाएगा बाकी बाहर वाला ये सारा का सारा भाग जो है कैसा है बाह्य स्त्रावी है जो एंजाइम्स बनाएगा डन कोई कंफ्यूजन नहीं है चले आगे तकलीफ तो नहीं थी ठीक है अब ये जो एक से दो प्रतिशत भाग जो होता है इसका अग्नाशय का जिसको हमने बोला अंत्यस्त्रावी ये एक से दो प्रतिशत भाग कहां पर मिलता है सर बीच में मिलता है इस क्षेत्र को बोला जाता है लेंगर क्या बोला जाता है बेटा जी याद रखना क्या लेंगर हैंस द्वीप क्या बोला जाता है लेंगर हैंस द्वीप क्या नाम दिया है ये जो एक से दो प्रतिशत भाग जो होता है इसको हम क्या नाम देते हैं द्वीप बोलते हैं ये वाला भाग ठीक है और ये वाला longer, hence, जो जो है भाग जो, जो, जो है इनकी संख्या कितनी होगी ऐसे दस से बीस लाख में मिल रहे दस से बीस लाख लेंगर हेन्स के द्वीप मिल रहे हैं कहां पर बीच में ओके okay, सर अब ध्यान से सुनना हमें क्या पढ़ना है क्या हमें भाई स्त्री भाग, भाग पढ़ना है क्योंकि में हम, तो हम अंग्रेजी में पैनक्रिया बोलते हैं कहां पर मिलती है ये आप अच्छे तरीके से जानते बेटा इसकी लोकेशन में आपको बता देता हूं ये हमारा अमाशय होता है और ये हमारी ग्रहणी होती है ड्यूडिनम होती है अमाशय और ड्यूडेनम ग्रहणी और यहां पर आपका अग्नाशय ठीक है ओके सर सिंपल याद करिए पाचन तंत्र में आपने पढ़ा था इस अग्नाशय से अग्नाशय नलिका आई थी जो अग्नाशय रस को लेकर आ रही थी और पितरस और अग्नाशय रस दोनों मिक्स हो गए थे पितरस ऊपर से याद करिए पित्त नलिका आ रही थी हां सर पित्त नलिका आ गई थी नलिका और अग्नाशय नलिका दोनों जुड़ गए थे हा सर ये पित्त नलिका और अग्नाशय नलिका दोनों जुड़ गए थे हा सर लिका और अग्नाशय नलिका जब दोनों जुड़ गए थे तो याद कर एक कॉमन नलिका बनी थी हाँ जी सर एक कॉमन नलिका बनी थी इस समान नलिका को हमने क्या बोला था हिपैटो पैनक्रियाटिक डिपैटो पैनक्रियाटिक नलिका बोला था कि नहीं बोला था ये सोचिए पित नलिका या अग्नाश्य नलिका दोनों मिलकर क्या बोल रहे थे यकृत अग्नाश्य नलिका क्या बोला था यकृत अग्नाशय नलिका बोला था हमने इसको हिंदी में ठीक है चल

और एक का नाम होता है बीटा हमारी एनसीआरटी बोलती है मात्र दो मिलती है लेकिन जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें पता लगता है चार प्रकार की कोशिका मिलती है कौन कौन सी अल्फा बीटा गामा और पीपी पीपी -पी भी होती है अब सर ये पीपी -पी कौन है घंटी वाली पीपी -पी? नहीं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है ठीक है सो अभी हम जिस स्तर पर है नीट का एग्जाम देना उस स्तर पर हमारी एनसीआरटी ने मात्र दो कोशिका बता रखी है तो ये दो कोशिका याद रखनी है एक एल्फा और एक बीटा सर एल्फा कोशिका कौन सा हॉर्मोन निकालती है बीटा कोशिका कौन सा हॉर्मोन निकालती है बस यही तो पढ़ना है मेरे दोस्त लोकेशन मैंने आपको बता दी है ठीक है और ये क्या मिल रहे हैं लेंगर हेंस मिल रहे हैं द्वीप मिल ऐसे ना जो समुद्र के बीच में द्वीप मिल रहा है ना so यहां पर जो एल्फा कोशिका है उस एल्फा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूके और बीटा कोशिका जो है उस बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन समझ में आ गया जी और दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे सर क्या विपरीत कार्य करेंगे? देखिए इंसुलिन क्या करेगा हमारी रक्त है रक्त नलिका है हाँ सर ये रक्त नलिका है ठीक है मान लो ये यकृत की कोशिकाएं कौन है यकृत कोशिकाएं कोशिका है यकृत की कोशिका है ठीक है यह रक्त है नली का है हां सर इसके अंदर कौन बह रहा है रक्त बह रहा है मैंने कहा ओके और इस रक्त में कौन है सर जी ग्लूकोज है मैंने कहा, ओके। कौन है ये ग्लूकोज है शर्करा एक प्रकार इस ग्लूकोज को निकालकर कोशिकाओं तक भिजवाने के कार्य में सम्मिलित होएगा कौन इंसुलिन तो अब आप मुझे बताइएगा बहुत सिंपल शब्दों में मैं पूछूंगा इंसुलिन क्या कर रहा है रक्त में से ग्लूकोज को निकालकर कोशिकाओं को दे रहा है हाँ भाई इंसुलिन रक्त में से ग्लूकोज को निकालकर किसको दे रहा है कोशिकाओं को हां सर तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता इंसुलिन जो है ये रक्त में रक्त में शर्करा की मात्रा की मात्रा को कम कर रहा है सोच ना मेरे दोस्त सोच

रक्त में शर्करा डालनी पड़ेगी हाँ बात तो सही है तो सर रक्त में शर्करा कैसे डालेंगे तो ये करने का कार्य कौन करेगा इसका विपरीत हार्मोन कौन ग्लूकेगॉन ये ग्लूकेगॉन क्या करेगा रक्त में शर्करा डालेगा सर ये रक्त में शर्करा कैसे डालेगा ये ग्लूकेगोन जो है ये रक्त में शर्करा कैसे डालेगा आइए देखिए यहां पर लिखा हुआ है देखिए ये तो लिखा दिया एल्फा कोशिका से ग्लूकेगोन बीटा कोशिका से इंसुलिन ये तो लिखा दिया है अब ग्लूकेगोन क्या कर रहा है देखिए एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है ग्लूकेगोन मुख्य रूप से यकृत कोशिका पर कार्य कर कर ग्लाइकोजन अपघटन कराता है जिससे क्या बनता है ग्लूकोज बनता है अब आप बोलेंगे क्या सर क्या सर समझ में नहीं आया सर मैंने कहा देख ध्यान से देख मैंने बोला ये ग्लूकेगोन क्या करेगा ये इसी यकृत की कोशिकाएं हाँ। पाचन तंत्र में आपने पढ़ा था यकृत जो होता है उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारे अंदर ग्लाइकोजन है ना और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलती है हाँ सर और ग्लाइकोजन को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा ग्लूकोज हाँ सर जरा सोच यार यहां से अगर तुम ग्लूकोज यहां कोशिकाओं को देते जाओगे तो यहां तो ग्लूकोज कम हो जाएगी हाँ तो ग्लूकोज यहां बढ़ानी है हाँ कैसे बढ़ाएंगे सर अंदर कौन भरा पड़ा है सर यकृत में ग्लाइकोजन उसी ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलेंगे और फिर उस ग्लूकोज को यहां पर डाल देंगे आप बोलेंगे सर इतना करने की जरूरत क्या थी सर है इतना करने की जरूरत क्या थी जब अंदर ही ग्लाइकोजन था तो वही का वही तोड़कर ग्लूकोज अंदर ही दे देते ना सर भाई कोशिकाओं को ग्लूकोज चाहिए अंदर ग्लाइकोजन था मैंने कहा तो अंदर ही ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदलकर यहां दे देते सर ये उल्टा उल्टा तिगड़मबाजी क्यों बैठाई सिर्फ यकृत की बात है ना और शरीर की कोशिका नहीं है और भी तो शरीर की कोशिका है और शरीर की कोशिका को ग्लूकोज नहीं चाहिए चाहिए ना तो हमने क्या बोला हमने बोला कि मेरे दोस्त रक्त में देखिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सिंपल तरीके से समझा रहा हूं समझना रक्त में ग्लूकोज है है। हाँ। ग्लूकोज को निकालकर कोशिकाओं तक दे दिया ओके। शरीर की कोशिकाओं को दे रहे चलो यहां से मैं यकृत हटा देता हूं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैंने बोला शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज हमने दे दिया ओके सर ग्लूकोज चाहिए हाँ सर श्वसन करने के लिए दे दिया तो सर रक्त में तो ग्लूकोज कम हो गया ये किसने कर दिया इंसुलिन ने बोलते हैं ना इंसुलिन अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल को कम करता है यानी ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है कौन इंसुलिन तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा रक्त में शर्करा लानी पड़ेगी नहीं तो ऐसे तो फिर शर्करा खत्म होती जाएगी तो लानी भी तो पड़ेगी तो बैलेंस करना पड़ेगा तो बैलेंस किसने किया सर ग्लूकेगोन ने ग्लूकेगोन ने क्या किया सर ये ग्लूकेगोन ने ये ग्लूकेगोन ने ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाया और उस ग्लूकोज को से रक्त में डाला इस तरीके से इस तरीके से क्या होता है मेरे दोस्त शर्करा की मात्रा का नियमन होता है भूल ना जाइएगा ये है कौन बेटा ग्लूकेगोन और ये है कौन इंसुलिन ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं एंटागोनिस्टिक का मतलब विपरीत कार्य करते हैं यह हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को कम करता है और यह हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है सिंपल सी बात है 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 अब आप जानते हैं एक बीमारी होती जिसका नाम होता डायबिटीज मेलिटस जानते हैं ना कौन सी बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस जो मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में भी बताया था याद करो इंसुलिन अगर नहीं होगा तो ये जो ग्लूकोज जो है ये कोशिकाओं में नहीं जाएगा कोशिकाओं में जब नहीं जाएगा दोस्त तो रक्त में बढ़ता जाएगा रक्त में ग्लूकोज अगर बढ़ता जाएगा तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा ऐसा रक्त जब किडनी में जाएगा तो ग्लूकोज ग्लूकोज को छानना पड़ेगा तो मूत्र के द्वारा ग्लूकोज निकल जाएगा इस परिस्थिति को याद याद कर कर हमने क्या बोला था गर, है ना इस परिस्थिति में जब का हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज नहीं जा पाएगा तो कोशिकाएं क्या करेंगी वसा को तोड़ेंगी फैट को तोड़ेंगी उनको तोड़ेंगी तो क्या बनेंगी कीटोन का है कीटोन काय जो होती है वो अपशिष्ट पदार्थ है उनको जब निकाला जाएगा तो वो परिस्थिति क्या कहलाती है कीटोनुरिया ये सारी परिस्थितियां किसमें होती हैं दोस्त ये होती है मधुमेह में जिसको हम क्या बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस देख ले कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है हाँ जी क्लियर है चले आगे याद रखना भूल ना जाइएगा याद रखिएगा ठीक है जी सो so ये था बेटा जी हमारा अग्नाश सिंपल नेक्स्ट अब इसके बाद आ रहा है इसके बाद नॉर्मल है देखिए मेजर मेजर हमने अंतस्त्री ग्रंथियां पढ़ ली है मेजर 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 जितनी भी ग्रंथियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं ठीक है कितनी पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त आठ पढ़ चुके हैं कौन कौन सी पीयूष ठीक है सबसे पहले हाइपोथमस फिर पीयूष फिर हमारी थाइरोयड फिर सॉरी फिर हमारी पिनियल फिर थाय फिर, फिर पैराथाइर ये तो हमने पांच पिछले लेक्चर में पढ़ी तीन अभी पढ़ ली है थाइमस एड्रीनल अधिव्रक और अग्नाशय पेनक्रियास आठ हो चुकी है हमारी अब इसके अलावा जो बची कुची है वो हमें देखनी है वृषण क्या ये अंत्यस्त्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रहा है बिल्कुल कर रहा है इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बहुत सिंपल सी बात है आप मानव जनन में पढ़ चुके हैं वृषण के अंदर कोई अंतराली कोशिका थी यस सर शुक्रजनक नलिका थी अंतराली कोशिका थी यस सर एड्री, लेडिग कोशिका जिसको बोला था यस सर अंतराली कोशिका इस अंतराली कोशिका पर कार्य किया था किसने ने ने और आके चलकर इस कोशिका क्या निकाला निकाला था था एंड्रोजन था, याद कर ये के हमारे शरीर में कहीं ना कहीं शुक्राणु के निर्माण को भी प्रेरित करता है हमारी मांसपेशियों के निर्माण को भी प्रेरित करता है हमारे अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों को भी निर्माण करता है आवाज को भारी करता है दाढ़ी मूछ के निर्माण को प्रेरित करता है ये सारे कार्य है किसके बेटा जी आपके स्टोरन के खत्म इससे ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं मेरे दोस्त सब कुछ पढ़ चुके हैं नेक्स्ट इसी तरीके से कौन अंडाशय मादाओं में अंडाशय जो होता है ये भी एक ग्रंथि की तरह कार्य करता है कैसे कही कही हाँ, सर इस अंडाशय के अंदर कहीं याद को प्रेरित करके क्या बनवा रहा था सर एस्ट्रोजन किसका निर्माण किया था एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन किससे निकलता है ग्रेफिन पुट्टिका से फिर ये ग्रेफिन पुट्टिका को जब एलएच ने तोड़ा था तो कहीं ना कहीं टूटने के बाद ये किसमें बदली थी कॉर्पस ल्यूटियम में याद आ रहा है उसी कॉर्पस ल्यूटियम में बदलने के बाद वही एलएच कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलवाया था पढ़ा होगा आपने तो एस्ट्रोन एस्ट्रोजन और ये आपके मादाओं के क्या लैंगिक हार्मोन है जिसमें से द्वितीय लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है कौन एस्ट्रोजन द्वितीय लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है कौन एस्ट्रोजन जितनी भी आपके द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं उनको निर्धारित करता है कौन एस्ट्रोजन आवाज जो है तीखी करनी है स्तन ग्रंथियों का विकास करना है है ना इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन होता है ठीक है और प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है ये कहीं ना कहीं गर्भाशय की जो भित्तियां हैं उनको मेंटेन करता है प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है गर्भाशय की भित्तियों को मेंटेन करता है दुग्ध ग्रंथियों पर भी ये क्या करता है कार्य करता है कुपिकाओं के निर्माण में क्या करता है कार्य करता है ये कौन आपका प्रोजेस्ट्रॉन सिंपल सो so, ये चीज आप ऑलरेडी मानव जनन चैप्टर में पढ़ चुके हैं बस इतना सा याद दिलाना था कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ये हार्मोन है जो वृषण से निकल रहे अंडाशय से निकल रहे हैं हार्मोन है जो वृषण से निकल रहा है तो वृषण और अंडाशय दोनों ही अंतरावी ग्रंथियां हैं डन 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 नेक्स्ट अब इसके बाद कुछ और आपकी रह गई है कौन ग्रंथियां जिसमें से सबसे पहले कौन सी है बेटा जी हृदय अब इसको समझना पड़ेगा सर हृदय भी अंत्य ग्रंथि की तरह कार्य करता है मैं बोलूंगा हाँ उसका कुछ भाग है याद करिए हृदय में कहीं ना कहीं आलिंद थे हाँ सर थे आलिंद की मायोकार्डियम थी मायोकार्डियम याद कर मायोकार्डियम याद आ रहा मायोकार। है मायोकार्डियम भूले तो नहीं है आलिंद की भित्ति होती आलिंद की भित्ति मायोकार्डियम एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम याद आ रही है सर याद आ रही है मायोकार्डियम मांसपेशियों से बनी हुई थी है ना

नेट्रियोरेटिक फैक्टर एट्रियल नेट्रोरेटिक कारक सर जी ये क्या कार्य करता है देख मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा सर ये क्या कार्य करता है बेटा ये ना दिमाग लगा ये एक रक्त नलिका है ध्यान से देखना ये एक रक्त नलिका है और इस रक्त नलिका के अंदर मान ले कोई चीज जमा होती जा रही है या तो रक्त का थक्का बनता जा रहा है या कैल्शियम या तंतु फाइबर जमा होते जा रहे हैं तो इसका आयतन जो है अंदर से कम होता जाएगा इसका व्यास कम होता जाएगा तो रक्त दाब क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा हाँ सर बढ़ जाएगा भाई जरा सोच अंदर अगर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है रक्त नलिका का व्यास अंदर से क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा हाँ सर छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा तो रक्त दाब बढ़ जाएगा हाँ सर रक्त दाब बीपी बढ़ जाएगा बिल्कुल बढ़ जाएगा तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है बीपी को नॉर्मल करना है कि नहीं करना हाँ सर करना है तो इस इस कंडीशन में जरा सोच अगर इस रक्त नलिका को इस रक्त नलिका को जिसका व्यास अंदर से छोटा होता जा रहा है अगर इस रक्त नलिका को मैं फैला दू फुला दू इस रक्त नलिका को तो अंदर जो रक्त बहुत तेजी से जा रहा था एकदम धीरे हो जाएगा हाँ सर हो जाएगा तो रक्त दाब को रक्तचाप को कम करने के लिए धमनियों को फैलाने का कार्य करता है कौन ए एन एफ खत्म ये जो रक्त वाहिकाएं जो होती है इनको विस्फारित विस्फारित का मतलब फैलाना ताकि रक्त दाब कम हो जाए ठीक है याद रखना ये किसका कार्य है एनएफ एन एफ कौन एक हॉर्मोन जो किससे निकला है हृदय से यानी हृदय भी एक अंत्य ग्रंथि की तरह कार्य कर गया हाँ सर कर गया बिल्कुल कर गया चलिए नेक्स्ट व्रक सर व्रक भी अंतरा ग्रंथि की तरह कार्य करता है जी हाँ मैंने कहा बिल्कुल हाँ, भी करता है सर वृक्ष से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा वृक्ष से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रेथ्रोपोइटिन वृक्ष से एक हार्मोन निकलता है देखिए दूसरा नंबर इसलिए दिया क्योंकि पहला कौन हृदय देख लिया दूसरा कौन व्रख व्रख से जो हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम है एरेथरोपॉइटिन याद रखना किडनी से हार्मोन निकल रहा है मेरी <coughs> क्या बोला <coughs> किडनी से क्या निकल रहा है हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम है एरेथरोपोटिन सर ये एरेथरोपॉइटिन क्या करता है ये एरेथरोपॉइसिस करता है सर एरेथरोपॉइसिस क्या होता है एरेथरो क्या होता है सर जी इरिथ्रोपोइसिस uh -huh. का मतलब होता है आरबीस इरिथ्रोसाइट का निर्माण इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोसाइट क्या होता है सर इरिथ्रोसाइट दूसरा नाम था किसका आरबीसी का तो आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया जो कहां पर होती है हमारी अस्थि मज्जा में तो जरा सोच मेरी किडनी से एरिथ्रोपोइटिन निकला मेरी अस्थि मज्जा में गया अस्थि मज्जा में जाकर मेरे अंदर आरबीसी का निर्माण कराया एरिथ्रोपोइसिस करा दिया किसने एरिथ्रोपोइटिन ने खत्म खल्ला से खत्म 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 ये वृक्ष से निकला एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी का निर्माण कर रहा है हृदय से निकला एएनएफ जो हमारी रक्त की नलिकाओं को फैला रहा है ताकि रक्त दाब कम हो जाए क्यों क्योंकि बढ़ गया था खत्म खत्म अब है जठर आंत पथ के हॉर्मोन अब ये पाचन तंत्र से संबंधित है देखो देखो कितने चैप्टर सम्मिलित हो गए हृदय परिसंचरण तंत्र से व्रक ए, उत्सर्जन तंत्र से जठर आंत पथ पाचन तंत्र से है सो हमारे अंदर जठर का मतलब हमारा पेट आथ का आंतरीय का मतलब क्या हो गया हमारी आंत यानी पेट से लेकर आंत तक का भाग जो है उस जगह से क्या निकलने वाले हैं हॉर्मोन क्या सर क्या सर क्या सर वापस से सुन मेरे पेट से लेकर मेरी आंत तक जो नली जो है उस नलियों से उन नलिकाओं से पेट से लेकर आंत तक की जो नलिकाएं हैं वहां से निकलने वाले हैं क्या निकलने वाले हैं सर हार्मोन निकलने वाले हैं कितने हार्मोन चार हार्मोन आपने याद रखने हैं गेस्ट्रिन सेक्रेटिन कॉलिसिस्टोकाइनिन और जीआईपी जठर अवरोधी पेप्टाइड कौन कौन सा लिख देता हूं गैस्ट्रिन सेक्रेटिन, देखो गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन कॉलीसिस्टोकाइनिन सीसी की बोलते हैं इसको कॉली सिस्टोकाइनिन ठीक है और जी आई पी गेस्ट्रिक सर जी हिंदी में बांगड़ू पीछे लिखा तो पढ़ा हिंदी में जार बार में लिखेंगे जठर अवरोधी पेप्टाइड जठर ले जठर अवरोधी पेप्टाइड बस ठीक है तो ये चार हार्मोन आपने याद रखने कहां से निकल रहे हमारे पेट से लेकर हमारी आंत तक की जो क्या है भित्तियां हैं उन भित्तियों से निकल रहे अब सर इनका कार्य क्या क्या है सबसे पहले किसका कार्य हम देखने वाले हैं गैस्ट्रिन का सर ये जठर ग्रंथि पर कार्य करके एच और पेप्सिनोजन के स्त्राव को प्रेरित करता है बहुत सीधा देखिए गैस्ट्रिन क्या कर रहा है आपको याद आ रहा है आपने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं एच और पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन तो एक निष्क्रिय हार्मोन था और एच सी एल हाइड्रोक्लोरिकम ये किसमें थे सर ये हमारे जठर रस में थे याद कर और जठर कोशिकाएं जो थी जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं थी वो ये निकाल रही थी ऑग्जेंटिक कोशिका पेप्टिक कोशिका याद आ रही है नाम ऑग्जेंटिक चीफ पेप्टिक मुख्य पेराइटल ऐसी कोशिकाएं याद आ रही हैं हां सर तो एचसीएल और पेप्सिनोजन जो कहां पर मिल रहे थे जठर रस में मिल रहे थे जो कौन निकाल रही थी जठर ग्रंथियां निकाल रही थी तो इन जठर ग्रंथियों को प्रेरित करता है कौन आपका गैस्ट्रिन क्या गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों की कोशिकाओं को प्रेरित करता है एचसीएल और पेप्सिनोजन का निर्माण करने के लिए जो किसमें मिल रहे हैं जठर रस में खत्म खल्लास कौन गैस्ट्रिन डन नेक्स्ट अब इसके बाद कौन है सिक्रेटर यह बाह्य स्त्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाई कार्बोनेट आयन को स्त्रावित करता है, है? सर समझ नहीं आया अब इसी को समझ नहीं आया ना इसी के आगे कॉलिसिस्टोकाइन देख क्या लिखा अग्नाशय और पिताशय दोनों पर कार्य कर एंजाइम का और के को प्रेरित करता है सर जी ये भी बिल्कुल कतई समझ में नहीं आया आइए अब आपको समझाते सिक्रेटिन देखिए इसके और कॉलिसिस्टोकाइन इन को और दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा सिक्रेटिन और कॉलिसिस्टोकाइन दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा काहे सर देखिएगा ध्यान से सुनना देख मेरे दोस्त ये है मान लेते हैं हमारा हालांकि ऐसा नहीं होता है यह हमारा कौन है लीवर है लीवर कौन है ये यकृत है जिसकी दो पालियां होती हैं एक बड़ी और एक छोटी यह यकृत है और इसकी जो बड़ी पाली होती है इसी बड़ी पाली के नीचे होता है कौन पिताशय, गॉल ब्लेडर गॉल ब्लेडर बोलते हैं ना यहां से नलिकाएं निकलती हैं, दाई यकृत नलिका बाई यकृत नलिका दोनों मिलकर कॉमन यकृत नलिका समान यकृत नलिका जो इसमें जाकर पितरस को डाल देती है फिर यहां से एक नलिका निकलती है और ये दोनों नलिका मिलकर क्या ने क्या बनाती है बेटा जी ये आपकी एक आ, समान क्या बनाती है पित्त नलिका बनाती है डन इतनी सी बात ये आप पढ़ चुके हैं देख यहां से नलिका निकली दाई दाई यकृत नलिका बाई यकृत नलिका दोनों जुड़ गई हैं क्या बनाई कॉमन कॉमन यकृत नलिका समान यकृत नलिका जो पित्त रस को यहां पर डाल देती और छोड़ देती है. नीचे भी आ रही है इसका कुछ यानी दो भागों में बट गई नीचे भी आ रही है और यहां पर भी गई थी यहां पर डाल दिया ठीक है और नीचे भी आ रही थी और नीचे आकर किससे जुड़ गई है इस पिताश्य से नलिका निकल रही थी जिसको हम क्या बोलते हैं पिताश्य नलिका तो पिताश्य की नलिका और यकृत की नलिका दोनों मिलकर क्या बनाते हैं पित्त नलिका ओके सर अब ये पित्त नलिका क्या निकाल लेकर आ रही है पितरस मैंने कहा ठीक है इधर कौन है सर यह अग्नाशय है मैंने कहा अग्नाशय में ठीक है हमने लेंगर हेंस पढ़ लिया जो अंतर भाग है लेकिन बाहर भाग जो था जो निन्यानवे था, था लेकर आ रहा है पितरस रस क्या लेकर आ रहा है रस ठीक है और दोनों जुड़ गए थे ये आप जानते ही और कॉमन नलिका बनी थी मैंने कहा ठीक है जो ग्रहणी में खुल गई थी ओके 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 ओके, ओके. मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मेरे दोस्त ध्यान से सुनना इस अग्नाशय के इस भाग से क्या बन रहा है सर अग्नाशय रस बन रहा है ध्यान से सुनना अग्नाशय रस इस अग्नाशय रस में एंजाइम भाग है और नॉन एंजाइम भाग है। क्या सर समझ नहीं आया एंजाइम भाग नॉन एंजाइम भाग मैंने बोला देख ये देख, ये एक रस है इस रस में पानी भी है खनिज भी है और एंजाइम भी है अब मान लो ये जो डॉट 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 जो मैं कर रहा हूं ये तो कौन है ये है। ये जो डौड़ डौड़ जो है, ये कौन है? ये एंजाइम 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 है 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 जो जो डॉट 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 कौन कौन ना तो एंजाइम तो ये है इसके अलावा जो चीज है वो क्या है नॉन एंजाइम भाग है ना? तो अग्नाशय रस का एंजाइमेटिक भाग भी है और नॉन एंजाइमेटिक भाग भी है मैंने कहा अब इधर देख पर्टिकुलरली नॉन एंजाइमेटिक भाग बनाने के लिए प्रेरित करता है कौन सिक्रेटिन यानी ये जो सिक्रेटिन जो है ये अग्नाशय रस का नॉन एंजाइमेटिक भाग नॉन एंजाइमेटिक भाग का मतलब जिसमें जल जिसमें खनिज ये सारी चीजें होंगी उनका निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है कौन सिक्रेटिन तो जरा सोचिए सिक्रेटिन अग्नाशय को प्रेरित करेगा अग्नाशय की यहां पर जो कोशिकाएं होती है जिनका नाम मैं बोल देता हूं ये जो कोशिकाएं होती है इनका नाम होता है एकीनी। एकीनी सेल्स बोलते हैं इनको एकीनर कोशिका बोलते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं हो गया चल अग्नाशेस अग्नाशय की ये कोशिका जिनका नाम है एक्निनी कोशिका इन एक् कोशिकाओं का निर्माण इन एकिनी कोशिकाओं का कार्य क्या होता है अग्नाशय रस का निर्माण अग्नाशय रस में एंजाइम भाग भी है और नॉन नॉन एंजाइम एंजाइम भाग भाग है भाग में जल है खनिज है ये सारी चीजें हैं ठीक है सो तो कोशिकाओं को ये हॉर्मोन अग्नाशय अग्नाशय की अग्नि कोशिकाओं को ये हॉर्मोन आता है सिक्रेटिन और प्रेरित करता है नॉन एंजाइम भाग बनाने के लिए ठीक है सर अब एंजाइम भाग बनाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है मेरे दोस्त सी सी के ये वाला हॉर्मोन सीसी के अब सीसी के एंजाइम भाग बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है किसको अग्नाशय रस का एंजाइम ये कौन बनाएगा मेरे दोस्त यही कौन भाई यही कोशिकाएं यही कोशिकाएं अग्नाशय रस बनाएंगी जो अंदर ये कोशिकाएं मिल रही है

पिताशय से पित्त रस श्रावण और अग्नाशय से अग्नाशय से एंजाइम अग्नाशय रस का एंजाइम अग्नाशय रस का एंजाइम भाग निर्माण ठीक है अग्नाशय रस का एंजाइम भाग का निर्माण करने के लिए कौन उत्तरदाई सर पित्त आशय रस्ते पे रस का स्रावण कराने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन अग्नाशय रस का नॉन एंजाइम भाग बनाने के लिए सिक्रेटिन बचा कौन मेरे दोस्त ये सारी चीजें यहां पर हो गई हैं बचा कौन है आपका कौन आ, इसके बाद है जीआईपी 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 जी यही बोला था जीआईपी देख ले गैस्ट्रीटरी पेपटाइड जी आई पी ये जठर स्त्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है और अंत मतलब क्या कर रहा है यह अब आप बोलेंगे सर क्या कर रहा है देख बहुत सिंपल सा फंक्शन है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें हो गई ना है ना बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे नहीं मेरे दोस्त ये सब पढ़ना तो पड़ेगा ये सारी चीजें याद तो करनी पड़ेगी देख वापस से बता रहा हूं देख गैस्ट्रिन ने क्या किया था जठर ग्रंथियों को प्रेरित किया था एचसीएल और पेप्सिनोजन का निर्माण करने के लिए सिक्रेटिन ने सिक्रेटिन ने अग्नाशय ग्रंथि का जो निन्यानवे प्रतिशत भाग जो बाह्य स्त्रावी था ये जो बाहर मिल रहा था जिनकी कोशिकाओं का नाम है एकिनी उन कोशिकाओं को प्रेरित किया क्या बनाने के लिए नॉन एंजाइम भाग बनाने के लिए कॉलिसिस्टोकाइन ने इन्हीं कोशिकाओं को एंजाइम भाग बनाने के लिए प्रेरित किया और पिताशय से पितरस के श्रावण को प्रेरित किया अब बचा कौन ये जीआईपी इस जीआईपी में वर्ड आ रहा है इनहिबिटरी इनहिबिटरी मतलब अवरोधी मतलब और आगे वर्ड आ रहा है, पेट के अंदर रस निकल रहा है हाँ सर निकल रहा है तो जठर रस को निकालने के लिए प्रेरित कौन कर रहा था जठर रस को निकालने के लिए प्रेरित कौन कर रहा था गैस्ट्रिन तो जठर रस को नहीं निकालना है उसके लिए प्रेरित कौन करेगा जठर रस को नहीं निकालने के लिए यानी जठर रस के निर्माण को रोकने का काम अवरोध करने का काम कौन करेगा जीआईपी अब आप जरा सोचिए सोच समझकर मुझे बताएं बहुत सिंपल सी बात क्या आपके पेट में हमेशा जठर रस निकलता रहता है नहीं ना जब भोजन जाएगा तभी तो निकलेगा ना है ना तो जठर रस को नहीं निकालना इसके लिए कौन रेगुलेट कर रहा है ये जठर रस को निकालना है उसके लिए कौन रेगुलेट कर रहा है ये बाकी ये दो मैंने आपको बताई दी हैं अब ये जो चार हार्मोन जो हमारी NCRT में दे। इसके अलावा और भी होते हैं बहुत सारे क्रियाविधि तो हालांकि ये टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग में होना चाहिए लेकिन अब क्या करें एनसीआरटी हमारे लास्ट में दे रही है कि भाई साहब आपने हार्मोन तो पढ़ लिया अंत्यवि ग्रंथियों से अब ये हार्मोन करेंगे क्या ये हार्मोन काम कहां पर करेंगे तो बेटा बहुत सिंपल तरीके से ध्यान से सुनना ये हार्मोन दो तरीके से काम करते हैं ये हार्मोन है ये कोशिकाओं पर जाते हैं और उन कोशिकाओं पर इन हार्मोन का एक निश्चित ग्राही होता है क्या बोला मैंने हर एक हार्मोन का एक निश्चित ग्राही होता है जैसे ये हार्मोन है ये गया कोशिका के पास उस कोशिका पर यह ग्राही मिल रहा था ये है ना अब इस ग्राही से जुड़ते हैं और ग्राही से जुड़ने के बाद एक समिश्र बनाते हैं क्या बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं समिश्र बनाते हैं हॉर्मोन ग्राही समिश्र क्या बोलेंगे इसको हॉर्मोन ग्रमिश्रेगा इस समिश्र के बनने के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं कोशिका में बदलाव आते हैं अब क्या बदलाव आता है रोकिएगा ठहरिएगा सुनिएगा मैं आपको फिर बोल देता हूं वापस से बोल देता हूं अब तक जितनी भी चीजें पड़ी हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और ये जो यहां से यहां तक जो चीज दे रखी है दोस्त इसको भूलना जाइएगा क्योंकि प्रश्न आते हैं यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से स्टार बना देता हूं जितने कहोगे उतने बना देता हूं जितने कहोगे उतने बना देता हूं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे पूछ लिया जाएगा पूछ लिया जाएगा रोन किस प्रकृति का है एल्डोस्टेर किस प्रकृति का है इंसुलिन किस प्रकृति का है so यहां पर हार्मोन की प्रकृतियां दे रखी हैं याद रखना है सबसे पहले या तो पेप्टाइड प्रकृति का यानी प्रोटीन प्रकृति का कौन कौन से हैं? इंसुलिन ग्लूकेगोन प्यूष ग्रंथी के हार्मोन, हाइपोथेलेमस के हार्मोन कौन कौन इंसुलिन ग्लूकेगोन पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस कैसे याद होएगा देख हाइपोथैलेमस उससे लटकी हुई पीयूष सारे के सारे प्रोटीन प्रकृति के डन फिर हमारे अग्नाशय अग्नाशय में में हमारे में, दो हार्मोन निकल रहे थे इंसुलिन ग्लूकेगोन खत्म तो अग्नाशय सिंपल अग्नाशय पीयूष हाइपोथैलेमस खत्म बोल याद हो जाएगा कौन कौन अग्नाशय अग्नाशय ये दोनों पीयूष और हाइपोथैलेमस खत्म

एल्डोस्टेरॉन हो गया एस्ट्राडियोल हो गया प्रोजेस्टेर हो गया टेस्टोस्टेर हो गया एस्ट्रोजन हो, हो गया ये सारे के सारे किस चीज के होते हैं स्टेरॉइड के। भूल मत जाना, ठीक नेक्स्ट आइडो यानी ऐसे हॉर्मोन जिनमें आयोडीन होगा अरे नाम से पता लग जाएगा आयोडीन किस में था थारॉक्सिन में यानी थाइरोयड हार्मोन में डन चौथी अमीनो अम्ल से उत्पन्न यानी कुछ ऐसे हार्मोन जिन जिनको हम अमीनो अम्ल से बनाते हैं अमीनो अम्ल के अंदर चेंज करते हैं सर ये तो प्रोटीन प्रकृति को नहीं देख आपने अमीनो अम्ल लिया उस अमीनो अम्ल में चेंज किया उस अमीनो अम्ल से जो हार्मोन बनेगा वो क्या क्या लाएगा अमीनो अम्ल से उत्पन्न या व्युत्पन्न एपिनेफ्रिन एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन नॉर एपिनेफ्रिन यानी मध्यांश के जो हार्मोन थे एड्रिनल के वो क्या है अमीनो अम्ल से उत्पन्न है याद रखना भूलना जाइएगा यहां से प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्त ये जो जो मैंने बोला है यहां से प्रश्न पूछा जाएगा स्टार बना दिया बहुत इंपॉर्टेंट अब सीधा सीधा पढ़ते हैं देख देखिए कुछ हॉर्मोन है जिनके ग्राही किस पर होते हैं कोशिका झिल्ली पर होते हैं अब ये जब तक मैं नहीं बताता तो आगे की चीज समझ में नहीं आती मैंने बोला हमने हॉर्मोन को दो कैटेगरी में बांट दिया एक वो हॉर्मोन जो कोशिका के अंदर नहीं जा पा रहे कोशिका की झिल्ली अंदर जाने नहीं दे रही है है ना चयनित पारगम्य होती है ना तो ऐसे हार्मोन जो अंदर जा नहीं पा रहे उनके ग्राही किसमें मिल रहे हैं सर कोशिका झिल्ली में मिल रहे हैं है। ऐसे हार्मोन जो कोशिका झिल्ली को चीरते हुए अंदर चले गए हैं दिख रहे दो तरीके के एक वो जो अंदर नहीं जा पा रहे एक वो जो अंदर चले गए हैं तो जो अंदर चले गए हैं ज्यादातर वो कौन से होते हैं स्टेरॉयडल होते हैं स्टेरॉइड लिपिड 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 प्रकृति के जरा सोच प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड थी, हां सर थी। तो लिपिड में थी थी सर तो घुलकर अंदर चले जाएंगे हां सर चले जाएंगे तो ऐसे हार्मोन क्या कहलाएंगे लिपिड में घुलनशील यानी स्टेरॉयडल प्रकृति के आराम से चले जाएंगे अपना अंदर जाकर काम करेंगे इनके ग्राही जो होते हैं वो कहां होते हैं केंद्रक के अंदर होते हैं ये कोशिका कोशिका के अंदर केंद्रक आवरण इस केंद्रक के अंदर जाकर केंद्र के अंदर जाकर इनके जो ग्राही होते हैं उनसे जाकर ये जुड़ते हैं कौन कौन आपके वसा में जो घुलनशील होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं ये अंदर चले जाते हैं इनके ग्राही अंदर मिलते हैं अंदर जाकर ये इनसे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये ग्राही और ये हार्मोन का जो मिश्रण है ये जाकर डीएनए में परिवर्तन करता है और उत्पाद बनवाता है डन ये तो ऐसे हॉर्मोन है जो अंदर जाकर काम कर रहे हैं अब सर जो बाहर है वो ये तो अंदर जा नहीं पा रहे फिर इस कंडीशन में क्या होता है ये हार्मोन जब ग्राही से जुड़ता है ये हार्मोन जब ग्राही से जुड़ता है इसको समझने के लिए एक वर्ड होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैसेजर मैसेजर का मतलब जो मैसेज लेकर आ रहा है ठीक है ये है बेटा जी प्राइमरी मैसेंजर प्राइमरी मैसेजर प्राइमरी मैसेजर का मतलब प्राथमिक प्राथमिक संदेशवाहक यानी जो संदेश लेकर आ रहा था सबसे पहले लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा तो क्या हुआ जैसे ही इस ग्राही के साथ जुड़ा जुड़ने के बाद अंदर कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर ग्राही से जुड़ने के बाद इस हार्मोन का ग्राही से जुड़ने के बाद अंदर क्या होएंगे, चेंजेस होएंगे किसमें कोशिका द्रव्य में और कुछ दूसरे रसायन दूसरे रसायन जो इस हार्मोन का कार्य निभाएंगे क्या मैं उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर बोल सकता हूं मैसेंजर बहुत सीधा सा शब्द है देखिए गेट है यहां पर नहीं दिखाई दे रहा यहां पर गेट है मैं आया इस गेट पर एक गार्ड बैठा था मैं आया मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को अंदर जाने दे मेरी बहन है अंदर मेरे को उसको समान देना है ठीक है गार्ड ने कहा नहीं मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा उसकी क्लासेस चल रही हैं अंदर वो कहीं पढ़ रही थी क्लास में उस गार्ड ने बोला मैं अंदर जाने नहीं दूंगा अपना मैसेज जो है यानी अपने जो सामान है मेरे को दे दे मैं अंदर किसी दूसरे बच्चे से कह देता हूं या किसी दूसरे व्यक्ति से कह देता हूं वो तेरी सिस्टर को दे देगा तो मैं कौन था प्राइमरी मैसेजर क्या लेकर आया संदेश ये संदेश जो था मेरे को तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था तो मैंने इस गार्ड को बोला यानी इस ग्राही को बोला मेरे संदेश को अंदर पहुंचाओ तो गार्ड ने उस संदेश को किसी दूसरे को दिया वो क्या कहलाएगा सेकेंडरी मैसेजर कहलाएगा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सेकेंडरी मैसेजर कौन होता है बेटा जी याद रखना दो चक्रिय एएमपी और कैल्शियम कैल्शियम जी हां और चक्रिय एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक मोनोफॉस्फेट चक्रीय एएमपी ये क्या होते हैं द्वितीय मैसेंजर होते हैं और ये जाकर अंदर उस हार्मोन का कार्य करवाएंगे वो जो लिपिड में घुलनशील नहीं होते हैं जैसे एफ एस एच फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हॉर्मोन याद रखना एफ एस एच सो ये था बेटा जी आपका कुल मिलाकर चैप्टर और इसी के साथ हमने समाप्त किया है ये चैप्टर समय हुआ है आपका Quiz का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की कौन सी कोशिका से स्रावित होता है अल्फा, बीटा गामा पीपी इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की कौन सी कोशिका से स्रावित होता है अल्फा, बीटा गामा पीपी दूसरा अधिव्रक की जोना फेसिकुलेटा से कौन सा हार्मोन निकला था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्टिकॉयड लिंगी कॉर्टिकॉइड लिंगिकॉर्टिकॉइड या कोई नहीं जोना फेसिकुलेटा से जोना फेसिकुलेटा से क्या निकला था लगाइए बेटा आंसर चलिए जी टाइमर हुआ समाप्त आइए देखते हैं बेटा सबसे पहला था इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की कौन सी ग्रंथि से होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं इंसुलिन जो है वो बीटा कोशिका से निकलता है अल्फा से क्या निकला था आपका ग्लूकेगोन की जोना फेसिकुलेटा से कौन से निकले थे जोना ग्लोमेरुलोसा से जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और लिंगिकॉर्टिकॉइड जोना रेटिकुलरिस से खत्म सो ये था बेटा जी आपका चैप्टर लास्ट में जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये था हमारा चैप्टर रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण ठीक है थैंक so यू सो मच सुनने के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए सारी चीजों को दोहराइए ठीक है और अच्छे से प्रैक्टिस करिए सारे क्वेश्चंस की थैंक यू सो मच